हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर के अंदर। तो भाई आ चुके हैं चैप्टर 14, मतलब कि 14 नंबर नहीं है, चैप्टर का नंबर तो 4 है, लेकिन अगर मैं काउंटिंग वाइज बात करूं तो ये 14वां चैप्टर चल रहा है हमारा। 15वां चल रहा है, सॉरी माय फॉल्ट, 15वां चैप्टर चल रहा है। मतलब हमने 14 चैप्टर के एलएमआर सीरीज के अंदर कंटेंट खत्म कर दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है सर, मजा आ गया सुन के। आज हमारा नंबर वाइज अगर बात करेंगे तो 15वां चैप्टर है, मतलब 15th नंबर का चैप्टर बोल सकते हो चल रहा है हमारा, जिसका नाम है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। बहुत मजा आने वाला है केमिकल थर्मोडायनामिक्स में। ये समझ लो कि हर एक एलएमआर सीरीज के अंदर मैं कंटेंट को पूरा लिखा के दे रहा हूं, आपको डिटेल लेक्चर ले रहा हूं। मतलब ऐसा नहीं कि चलो भाई वन शॉट है तो बस वन शॉट जैसा ही लेना है, लेक्चर थोड़े से ज्यादा हो जा रहे हैं, मैथ के साथ में क्लैशिंग भी हो जा रही है, ठीक है। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हर एक बच्चा जो है कि इसका फायदा ले रहा होगा। यस, तो शुरू किया जाए। वॉइस अच्छा नहीं आ रहा, एक मिनट जरा, वॉइस का बड़ा पंगा चल रहा है भाई आजकल, एक मिनट। चलो जा कंफर्म करो, देखो एकदम क्लियर दिखाई, मतलब सुनाई दे रहा है मेरा जो ऑडियो है वो सुनाई दे रहा है, मेरा जो वीडियो है वो दिखाई दे रहा है। चेक करो जल्दी जल्दी से, कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी। केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल है, बच्चे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हमारे यहां पे हैंडबुक अलाउड नहीं है, तो न्यू रूल के हिसाब से आपको एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट आ रहा है। क्योंकि अगर आपको कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट यहां पे हैंडबुक या कुछ शीट देंगे, और बहुत सारे ऐसे भी एक्सपेरिमेंट यहां पे शीट नहीं होती है, तो कॉलेज कौन सा एक्सपेरिमेंट रखता है उसके ऊपर काफी मैटर करने वाला है। इसके ऊपर कल मैं एक दिनेश सर लाइव स्टडी के ऊपर एक सेशन लेकर आने वाला हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, दिनेश सर लाइव स्टडी के ऊपर एक केमिस्ट्री का सेशन लेकर आऊंगा मैं, जहां पर जो एक्सटर्नल टीचर्स हैं जो एक्चुअल में सिस्टम में है इस समय, उनके साथ मैं बात करूंगा। फिजिक्स का कल दिनेश सर लाइव स्टडी के ऊपर हुआ था, आपने बहुत सारे नॉलेज बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपने गेन किया होगा। वैसे ही कल केमिस्ट्री का आने वाला है लगभग 7:15-7:30 बजे के आसपास, जिसका इन्फॉर्मेशन आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। तो जिन बच्चों का प्रैक्टिकल अभी तक केमिस्ट्री का नहीं हुआ है, सेशन कल का बहुत खास होने वाला है। कल मिलेंगे हम आपसे दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल के ऊपर, ठीक है। चलिए कल हमारा लास्ट कंटेंट भी रहेगा एलएमआर का, तो डबल मजा आने वाला है। यस, चलिए वॉइस क्लियर आ रही है, जरा मुझे देखने तो पहले भाई वॉइस का क्या इश्यू हो रहा है, क्या इश्यू हो गया भाई, लैग हो रहा है क्या, ऐसा कुछ हो रहा है, लैग हो रहा है, लैग हो रहा है क्या, जल्दी से बोलो। नहीं, क्लियर है क्लियर है, ओके संदेश ने बोल दिया भाई क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, क्लियर है क्लियर है, ओके संदेश ने बोल दिया भाई चलो तो कंफर्मेशन मिल गया है मुझे आप लोगों की तरफ से, अब आवाज एकदम क्लियर आ रही है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस बड़े प्यारे से कंटेंट को। सर ये कंटेंट कौन सा ले रहे हो आप, तो ये हमारा चल रहा है इस समय लास्ट मंथ रिविजन, जहां पर हम फरवरी मंथ में एंट्री कर चुके हैं, और बस कल हमारा पूरा का पूरा वन शॉट लेक्चर ऑफिशियली खत्म हो जाएगा, ऑफिशियली खत्म हो जाएगा, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। और आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं उसका नाम है केमिकल थर्मोडायनामिक्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, ये हमारा चैप्टर है। कंपेयर टू कल के लेक्चर ये काफी छोटा होने वाला है, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर काफी बड़ा होता है जनरली, इसके अंदर बहुत सारे थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन है जो आप बड़े आसानी से समझ जाते हो, जैसे डेफिनेशन हो गया, ठीक है, या लॉ हो गए, तो बड़े आराम आराम से आप समझ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस बड़े ही प्यारे से कंटेंट को। सबसे पहला केमिकल थर्मोडायनामिक्स, सर ये थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, बहुत बार आपने ये वर्ड सुना होगा थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ये थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। तो आप बोलेंगे थर्मोडायनामिक्स जनरली जो है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो चेंज करते हैं
विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, उसे हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। सही बात है, उसे हम क्या बोलेंगे? थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स जब भी हम किसी भी कंपोनेंट का निकालते हैं या थर्मोडायनामिक्स हम जब कभी पढ़ते हैं तो जनरली हमारा एम होता है कि हमारे पास सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिस्टम। तो अगला कंटेंट, जैसे कि मान लो कि सिस्टम क्या है सर? सिस्टम क्या होता है? जिसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिसके ऊपर आप काम करेंगे, जिसके ऊपर आप रिसर्च करेंगे, उसे बोलते हैं सिस्टम। जैसे कि अगर मुझे यह देखना है कि भाई एक रॉड है और जब इसको मैं हीट करता हूं तो यह कितने तेजी से ठंडा होता है, कितने तेजी से गर्म होता है, इसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, इसका एनालिसिस करना चाहते हो, तब इसे हम सिस्टम बोलेंगे। और सिस्टम के आजू बाजू जो दिखाई दे रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। और अगर मैं सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दूं, अगर मैं ये बोलूं कि भाई सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दो, तब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलके बन जाएंगे, दोनों मिलके बन जाएंगे यूनिवर्स। एग्री? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी? इस चैप्टर का वेटेज कितना है? चैप्टर का वेटेज 6 से 8 मार्क तक का होता है, तो अच्छा वेटेज है। मतलब यार ऐसा नहीं बोल सकते कि हल्का वेटेज वाला चैप्टर है, अच्छा वेटेज है इस चैप्टर का। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स। पहला डेफिनेशन आपके लिए थर्मोडायनामिक्स। क्या है भाई थर्मोडायनामिक्स? तो थर्मोडायनामिक्स जो होता है इज अ कंसर्न विद द एनर्जी चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने बोला कि किसी भी कंपाउंड को जब आप फिजिकली या केमिकली चेंज करते हो तो एनर्जी में क्या चेंजेस होते हैं। ये सर एलएमआर के बाद क्या लेने वाले हो, डिस्कस करेंगे बच्चे, उसी के ऊपर डिस्कशन होने वाला है कल देने सर के साथ में, कि अब हम अपने बच्चों को और क्या खास दे सकें। ठीक है, और टेंशन मत लो यार, जो चीज आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उससे कहीं ज्यादा हम दे रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा हम आपको देंगे। ठीक है, तो एकदम रिलैक्स मोड में रहो, एकदम रिलैक्स मोड में रहो, टेंशन मत लेना। थर्मोडायनामिक्स इज अ कंसर्न विथ एनर्जी चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फिजिकली या केमिकली, ध्यान से सुनो जरा, फिजिकली या केमिकली अगर मैं ध्यान से देखूं कि यार ये मेरे पास कोई केमिकल है उसको मैंने चेंज कर दिया केमिकली, तो एनर्जी में क्या चेंजेस हुए? या मेरे पास कोई सब्सटेंस है उसको मैंने फिजिकली चेंज कर दिया, सॉलिड था लिक्विड कर दिया, लिक्विड से गैस कर दिया, उन चीजों को जब मैं देख रहा हूं, जब उन चीजों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार ये तो चेंज हो गया, इसके एनर्जी में भी चेंजेस आ रहे हैं, इसके एनर्जी में भी चेंजेस आ रहे हैं, चलेगा। इस वजह से इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? थर्मोडायनामिक्स दिखा रहे हैं। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं सिस्टम सराउंडिंग। ध्यान से देखो जरा, यहां पर सिस्टम क्या होता है सर? अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनामिक्स इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड सिस्टम। ये मैंने आपको बताया था, तो यहां पर बॉक्स में डाल देता हूं, ये सिस्टम है। ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम सच एज सिलेंडर, रूम, अदर आर कॉल्ड एज सराउंडिंग। ये हमारा सराउंडिंग है, ध्यान से देखते चलो। और अगर मैं बोलूं कि यूनिवर्स क्या होता है, तो इट इज द मेड अप ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसको हम यूनिवर्स बोलते हैं। जो डबल अंडरलाइन है उसी का डेफिनेशन है ये, जहां जहां पे डबल अंडरलाइन किया मैंने वो डेफिनेशन के नाम पर है। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? बड़ा बेसिक सी चीज है, मतलब बहुत बेसिक सी चीज है बच्चे, कोई इतना दिक्कत नहीं है, कोई इतना कंफ्यूजन नहीं है। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन, रोहित पूछ रहे हैं। बच्चे आपको लग रहा है पूरा सोल्यूशन हो पाएगा इस बच्चे के दिनों में? नहीं हो पाएगा आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन, सारे सोल्यूशन सारे एक्सप्लेनेशन तो यहां पर दिया जा रहा है मेरे भाई। हम बात करेंगे कि और कौन सी सीरीज निकाली जाए छोटे दिनों के लिए, कम दिनों के लिए, जो कि कमिटमेंट करेंगे तो पूरा करेंगे, सिर्फ ऐसे सीरीज बोल के चालू नहीं करेंगे, भाई चालू कर दिया खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अब हमको देखना है आपका प्रैक्टिकल वाला हिसाब किताब भी देखना है। सही बात है, यस। चलिए अब बात करेंगे ओपन सिस्टम क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कि भाई हमको जो कंटेनर होते हैं, अगर मैं दो चीज बोलूं यहां पर, ध्यान देना यहां पर, अगर मैं बोलूं आपको, मान के चलो कि आप चाय पी रहे हो और चाय जो है गरम गरम चाय की प्याली, गरम चाय की प्याली हो, ये गरम चाय की जो प्याली है ये आपने ओपन रखा हुआ है, गरम गरम चाय है उसको ओपन रख दिया। अब ओपन रखने पे क्या होता है, ओपन रखने पे क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही है हमको, दो चीजें यहां पर हो रही है।
एक तो ये हो रहा है कि इसका जो चाय है वो वेपर जो है वो लगातार बाहर जा रहा है, लगातार बाहर जा रहा है, एनर्जी के रूप में भी कुछ ना कुछ यहां पे बाहर जा रहा होगा, जिसकी वजह से कम हो रहा है। क्या ये बात से एग्री कर रहे हो? क्या ये बात से एग्री कर रहे हो? यस, कोई दिक्कत, कोई डाउट, यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को भी कहीं पर भी? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ओपन सिस्टम क्या होता है, तो आप बोलने वाले कि एक ऐसा सिस्टम जहां पर एनर्जी, यस, हाउ टू अंडरस्टैंड केमिकल रिएक्शन, बच्चे वो तो प्रैक्टिस के ऊपर है तुम्हारे, वो तो प्रैक्टिस के ऊपर है, जहां पर एनर्जी और मैटर इन दोनों को मैं एक्सचेंज कर सकता हूं, जहां पर एनर्जी और मैटर में दोनों को क्या कर सकता हूं बच्चे, एक्सचेंज कर सकता हूं। सही बात है, कल से प्रैक्टिकल और कुछ टाइम नहीं है सर, कल से प्रैक्टिकल है। हाँ बच्चे, जिसका प्रैक्टिकल है भाई प्रैक्टिकल पे ध्यान दो, जिसका प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल पे ध्यान दो, प्रैक्टिकल पे पढ़ाई करो, प्रैक्टिकल को पढ़ के जाओ। ओपन सिस्टम हम क्या बोलेंगे? द सिस्टम इन विच, द सिस्टम इन विच, बोलो, एनर्जी एंड मैटर बोथ, एनर्जी एंड द सिस्टम इन विच, इन ऐसा लिखो, द सिस्टम इन विच, द सिस्टम इन विच एनर्जी एंड मैटर कैन बी एक्सचेंज्ड विथ सराउंडिंग, विथ सराउंडिंग मतलब अगर कोई एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आपको लग रहा है कि यार ये तो एनर्जी और मैटर दोनों सराउंडिंग से चेंज किया जा सकता है, बदल सकते हैं। यस बच्चे, हर्ष बच्चे, अपने बेसिक्स पे ध्यान दो, बेसिक्स पे ध्यान दो एकदम। देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, आपने भी सुना होगा कि अरे सर ये वन शॉट है, ये महारिविजन है, लेकिन अभी ये सब चीजें क्या सबके लिए है? अब मान के चलो कोई बच्चा कोई चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो क्या वन शॉट से उसको समझेगा? बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए अपने अपने बेसिक्स पे ध्यान दो कि आपने कौन से चैप्टर को पढ़ा है अब तक साल भर, और ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो उसी का रिवीजन करने के लिए। साल भर जिस चैप्टर को पढ़ा है जनवरी तक, पीछे पिछले महीने तक जिस चैप्टर के पीछे आपने साल भर लगा दिया पढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं आप उन्हीं चैप्टर को रिवाइज करो बार बार। वन शॉट होता है कि उन्हीं चैप्टर को एक बार फिर से वन शॉट के रूप में देख लो ताकि आपका समय बच जाए। ये समझ में आया ओपन सिस्टम? यस सर। आगे हम क्या लेने वाले हैं देखो जरा, आगे हम क्या लेने वाले? क्लोज्ड सिस्टम। अब जरा दिमाग चला यहां पर, क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है? ये मेरे पास क्लोज सिस्टम है, मैंने ढक्कन लगा दिया चाय के ऊपर। अब चाय के ऊपर ढक्कन लगाने से क्या ऐसा होता है कि चाय ठंडी नहीं होती है? ऐसा कभी होता है क्या? चाय के ऊपर आपने ढक्कन लगा दिया, मान के चलो चाय को आपने ढक दिया, तो चाय कभी ठंडी होगी नहीं भाई, गर्म ही रहेगी जिंदगी भर के लिए, ऐसा होता है? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं आप क्लोज सिस्टम यह बोलने वाले हो कि जो चाय है उसका मैटर रुक गया है, मैटर नहीं जाएगा लेकिन एनर्जी आराम से बाहर जाएगा सराउंडिंग की तरफ। क्या यह बात समझ में आई? क्या यह बात समझ में आई? जल्दी चैट बॉक्स में बताओ क्लोज सिस्टम का आंसर क्या होगा, क्लोज सिस्टम का आंसर क्या होगा? जल्दी बोल बच्चे, लिखने जा रहा हूं मैं क्लोज सिस्टम, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? यस, अ सिस्टम दैट एक्सचेंज एनर्जी, किसके साथ में भाई, जल्दी से बोलो, विद द सराउंडिंग। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, अ सिस्टम दैट एक्सचेंज एनर्जी नॉट ऐसे, ठीक है, विद द सराउंडिंग, कोई दिक्कत? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सचेंज एनर्जी विथ सराउंडिंग। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी? एक एक चीज एकदम बढ़िया समझ में आ रही है? यस, नेक्स्ट क्या है सर? और अच्छा, यहां पर
मैटर होगा क्या? तो मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, ध्यान देना इस बात को, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, पहले बता दिया मैंने। नेक्स्ट आइसोलेटेड, ओ माय गॉड, बोलते ना भाई अपने आपको आइसोलेशन में डाल दो, अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम देना है ना अच्छे से अपने आपको आइसोलेट कर लो। आइसोलेट का मतलब क्या होता है? अरे मेरा सारे दुनिया से संपर्क टूट गया, मैं नहीं जानता बाहर क्या चल रहा है। जैसे बिग बॉस चलता है ना, आइसोलेट रहते हैं वो लोग, बाहर की दुनिया से अनजान रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही अपने आप को आइसोलेट कर लो कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, उसका फायदा बहुत होता है। आप एकदम कंस्ट्रक्टिव पढ़ाई करेंगे, मालूम पड़ा कि दिन भर आप लगे पड़े हो, यहां जा रहे हो, वहां जा रहे हो, कभी ये मार्केट जा रहे हो, कभी दोस्तों से मिलने जा रहे हो, कभी जनरल साइंस करने कॉलेज जा रहे हो, तो भाई ये सब चीजें होने होंगी ना, तो आइसोलेट नहीं कर पाएंगे अपने आपको ना, तो फिर पढ़ाई में दिक्कत आएगी। तो आइसोलेट का मतलब धीरे धीरे समझ में आएगा होगा क्या होता है, अपने आप को कैद कर लेना। सही बात है, यस और नो, एग्री कर रहे हो? यस वेंकटेश क्या बोल रहे भाई, सच अ सिस्टम दैट डज नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। परफेक्ट बच्चे, परफेक्ट। तो हम आइसोलेट की बात करने वाले हैं, एक ऐसा सिस्टम जो लिख लो यहां पर, a system that does not allow energy and matter, or a system ऐसे लिख दो, a system that does not allow energy and matter to exchange, energy and matter, a system that does not allow energy and matter to be exchanged with surrounding, मतलब एनर्जी और मैटर को यह बंदा सराउंडिंग से एक्सचेंज होने की परमिशन देता ही नहीं है। जाओ मैं नहीं देता हूं परमिशन तुम्हें, कैद रहोगे तुम इसी तहखाने के अंदर, ऐसा होता है ना। तो मतलब जनरली आपको दुनिया से संपर्क टूट गया है, तो यहां पर ऐसा हो सकता है क्या सर? ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। अगर ये गर्म चाय की प्याली को हमने थर्मस में डाल दिया, जहां पर क्या हुआ भाई, यहां पर थर्मस में आपको पता है एक लेयर लगा होता है, कोटिंग लगी होती है, और यहां पर एक मजबूत वाला ढक्कन लगा दिया, तो चाय वेपर बन के उड़ेगा भी नहीं, और चाय का ठंडा होना भी रुक जाएगा, मतलब उसका एनर्जी के साथ में जो है बिल्कुल भी तालमेल यहां पर नहीं रहेगा, एनर्जी के साथ में बिल्कुल भी, बाहर वाले एनर्जी के साथ में बिल्कुल भी तालमेल नहीं रहेगा, नो तालमेल मतलब बिल्कुल लेन देन नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। चेक कर बच्चे, अब आने वाला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सिस्टम। सिस्टम जो हमने लिया होगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो उसके नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना कि सिस्टम कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। चाय लिया ना आप लोग ने, एग्जाम्पल के लिए चाय लिया ना बच्चे, सर इतने इजी डेफिनेशन आते हैं क्या एग्जाम में? बिल्कुल आते हैं बच्चे संदेश, बिल्कुल आते हैं, ठीक है, बिल्कुल आते हैं, बस ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं। अभी चाय आपने लिया, तो चाय में कितना चाय लिया है वो इंपॉर्टेंट है, ये नहीं जाना इंपॉर्टेंट कि चाय किसका बना है, ग्रीन चाय है कि ठीक है नॉर्मल चाय है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट उसके अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ कितने मैटर उसके अंदर है वो इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होगा, हम उसको चाय का मास ले सकते हैं, चाय के वॉल्यूम की बात करेंगे, इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं उस सिस्टम का, ठीक है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, उस चाय में कितना हीट कैपेसिटी है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, शक्कर के मोल्स कितने होंगे इसके अंदर, पानी का मोल्स कितना होगा, ये चीजें यहां पर होने वाली है। समझ में आया? आया समझ में? देखो आइसोलेटेड सिस्टम जो है बच्चे, आइडियली प्रैक्टिकली पॉसिबल वाला सिचुएशन नहीं है। आयुष आपके लिए बता रहा हूं मैं, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर आइसोलेटेड जो सिस्टम होता है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है, आइडियल केस में नहीं मिल पाता है। क्यों? थर्मस में भी चाय एक सर्टेन टाइम के बाद, अब दो तीन दिन के लिए छोड़ दो तो ऑब्वियस यार ठंडा हो ही जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं वो एनर्जी पास हो रहा है जो हमको दिखाई नहीं देता है या बहुत कम होता है, तो ये एक सर्टेन टाइम के लिए होता है, वो उस टाइम के लिए होता है जिस टाइम के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि मैंने चाय लिया यहां पर, उसको एक घंटे के लिए मैं इसको ऑब्जर्वेशन में रखा, एक घंटे में उसका टेम्परेचर कम हो गया, दैट इज ओपन सिस्टम है, चाय का पार्टिकल भी उड़ रहा है, तो ये हो गया तुम्हारे लिए ओपन सिस्टम। फिर हमने क्या किया, उसी एक घंटे के अंदर हमने फिर दूसरा चाय लिया, उसको ढक्कन लगा दिया, अब मैं देख रहा हूं कि
चाय का जो पानी है वो ढक्कन पे जमा हो रहा है, मतलब पानी नहीं उड़ा लेकिन चाय ठंडी हो गई। तीसरा हमने थर्मस में डाला एक घंटे के अंदर, तो चाय का पानी जो है वो भी अंदर ही है और चाय गर्म की गर्म है। तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि आइसोलेटेड का मतलब है कि सर फॉर बहुत दिनों के लिए होगा, ये तो एप्लीकेबल नहीं हो पाता, ये सच है, आपको पता है। चलेगा, कोई दिक्कत? राज सर सिटी में कैसे क्वेश्चन आएंगे? जब मैं सिटी में पढ़ूंगा तो बताऊंगा बच्चे कैसे क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी फॉर दैट, यू जस्ट फोकस ओवर हियर। नेक्स्ट आ गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगला टाइटल इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अ प्रॉपर्टी विच इज इनडिपेंडेंट इनडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सिस्टम। भाई वो मैटर के ऊपर जो है ना, उसके अमाउंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा, उसको इंटेंसिव बोलेंगे। जैसे प्रेशर है, अब चाय के ऊपर कितना प्रेशर लगेगा उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, टेम्परेचर कितना दे रहा हूं उससे थोड़ा चाय का क्वांटिटी आपको यहां पर आप लेने वाले हो। सरफेस टेंशन ले लो, चाय कितना मोटा है कितना पतला है, विस्कोसिटी जिसको हम बोल सकते हैं, चाय का लेयर कैसा है, विस्कोसिटी कितना ज्यादा सरफेस उसके साथ में उसका बोलते ना फ्रिक्शन हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, स्पेसिफिक हीट कितना है, ये सारी चीजें आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी मानी जाती है। चेक कर लो बच्चे फटाफट। यस, चलेगा? कोई दिक्कत, कोई डाउट? यस, आज इस बच्चे पहले व्हाट्सएप भेजो आप जो भी कंटेंट पूछ रहे हैं, सामने से मैं कॉल करता हूं, मैं सारे बच्चों को बता दूं, टॉपर्स प्रो वाले स्पेशली आप कॉल करेंगे, कॉल रिसीव नहीं होती है, आप मैसेज करो, हम सामने से कॉल करते हैं, क्योंकि डाउट लेक्चर पूछने का तरीका होता है बच्चे, ठीक है? डाउट जो होती है उसको आप डालो। हाँ, प्रीमियम वाले करेंगे तो भाई भाई डिफॉल्ट हम ट्राई करते हैं उठाने का, बेस्ट टू बेस्ट, ठीक है? क्योंकि नंबर कैसा होता है ना बच्चे, वो होता नहीं है जनरली, उस पर व्हाट्सएप वाला जो नंबर है ना उस पर व्हाट्सएप ही चलता है। चलेगा? कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को भी? नेक्स्ट कंटेंट क्या है सर? नेक्स्ट कंटेंट है आपके लिए स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। इस समय बात है हमारे लिए स्टेट फंक्शन की। स्टेट फंक्शन मतलब रिजल्ट, तो हमारा रिजल्ट बढ़िया आना चाहिए, बाकी हम मेथड कोई बोले तो, पाथ कोई बोले तो, पाथ से मतलब नहीं है, पाथ मतलब रास्ता। यहां पर वही बोल रहा है कि एंड में जो रिजल्ट आएगा वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको बोलना है कि भाई अगर एक ऐसी प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑन पाथ फॉलोड बाय अटेंड टू इट, हमने कौन सा रास्ता अपनाया है इस चीज को पाने के लिए, उसको हम बोलेंगे स्टेट फंक्शन। कौन सा रास्ता अपनाया है इस चीज को पाने के लिए, उसके ऊपर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। तो रिजल्ट कैसा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसी को हम बोलेंगे स्टेट फंक्शन। लेकिन अगर मैं बोलूं पाथ फंक्शन क्या होता है, तो हां भाई मेहनत करना इंपॉर्टेंट है। यस, मेहनत करना इंपॉर्टेंट है, मतलब पाथ फंक्शन इज इंपॉर्टेंट। पाथ फंक्शन यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी जो प्रॉपर्टी होगी उसमें जो चीजें डिपेंड होंगी प्रॉपर्टी में, वो पाथ के ऊपर डिपेंड रहेगा, उसको हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। वर्क और हीट जैसे आपको एग्जांपल में दिया हुआ है, तो प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द पाथ इज कॉल्ड पाथ फंक्शन, प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन स्टेट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। यस, नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो बड़ा सिंपल सा है कि अगर कभी ऐसा हो गया कि स्टेट फंक्शन जो है वो समय के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है, There is no variation only. आप समय के साथ कुछ चीजें बदलती है लेकिन ये बदल ही नहीं रहा है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे a system is said to be thermodynamic equilibrium कब, when its state function do not vary with time, समय के साथ चेंज नहीं होगा। Thermodynamics considered here is limited to equilibrium states, मतलब कि जो thermodynamics है अगर कभी ऐसा हो गया कि समय के साथ उसमें changes नहीं आ रहे हैं तो हम बोलेंगे ये क्या हो गया मेरे लिए, ये मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरे लिए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हो गया। सर इसकी डेफिनेशन प्रीलिम में आई थी, हाँ बच्चे एग्जाम में भी आ सकती है, फाइनल एग्जाम में भी आ सकती है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। नेक्स्ट, प्रोसेस एंड इट्स टाइप। जैसे कि मैंने आपको बोला अभी अभी कि इस चैप्टर में डेफिनेशन काफी है जिसकी वजह से आपका फटाफट चैप्टर खत्म होगा, आप एकदम रिलैक्स रहो, कुछ इसके डेरिवेशन भी है लेकिन डेफिनेशन थोड़ा ज्यादा है इसके अंदर। बोलो पहला जो आने वाला है प्रॉपर्टी वो है आइसोथर्मल। बच्चे बच्चों को पता है आइसोथर्मल मतलब क्या? सर आइसोथर्मल मतलब क्या? आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर जो होगा सिस्टम का रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन। भाई टेम्परेचर क्या होगा, चेंज ही नहीं होगा, टेम्परेचर विल रिमेन कॉन्स्टेंट, कुछ भी कर लो आप, अरे कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब इसको हम बोलेंगे एक तरह से आइसोथर्मल प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में हीट फ्लोज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा, सो टू कीप द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम आ रहा, लेकिन टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होगा, उसको कॉन्स्टेंट रखेंगे। अगर टेम्परेचर मेरा कॉन्स्टेंट हो गया तो हम बोलेंगे डेल्टा टी क्या हो गया भाई हमारा, डेल्टा टी कॉन्स्टेंट हो गया, और इसीलिए हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी मतलब देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई डाउट चेक कर बच्चे फटाफट। नेक्स्ट आइसोबेरिक प्रोसेस। सर आइसोबेरिक प्रोसेस क्या होता है? तो आइसोबेरिक का मतलब है प्रेशर, आइसोबेरिक का मतलब क्या होता है बच्चे? प्रेशर की बात हो रही, मतलब आप बोलने वाले हो कि जो प्रेशर है वो यहां पर आपका क्या होगा बच्चे? कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो आइसोबेरिक का मतलब है प्रेशर आपका कॉन्स्टेंट होने वाला है, मतलब मेन इंपॉर्टेंट टर्म आपके लिए आने वाला है, प्रेशर रिमेन कॉन्स्टेंट। सर प्रेशर कैसे कॉन्स्टेंट हो सकता है? अगर मैंने ओपन कंटेनर ले लिया, ध्यान से सुनो, वैसा वर्षा मतलब अपोजिट, जैसे कि ए बी के पास जाएगा तो बोलेंगे वैसा वर्षा, है वैसा वर्षा मतलब बी फिर ए के पास भी आएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चे? दिनकर, तो अगर आप बोल रहे हो कि सिस्टम से हीट जाएगा सराउंडिंग की तरफ, तो सराउंडिंग से हीट सिस्टम की तरफ भी आ सकता है, दैट इज कॉल्ड एज वाइसा वर्सा। क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया सर? प्रेशर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि ये ओपन कंटेनर में होता है, और इस वजह से डेल्टा पी को हम जीरो मान लेते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात एकदम बढ़िया से समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी किसी को भी? यस, चलेगा ये सब चिंदे सर फास्ट लो, हाँ ना बच्चे? ये सब तो बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है। आइसोकोरिक प्रोसेस, कोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब यहां पर आप बोलने वाले हो कि इन विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। देख लो ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, ठीक है? और यहां पर डेल्टा वी आपके लिए जीरो हो जाएगा। क्लोज्ड कंटेनर ले रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूं? क्लोज्ड कंटेनर, जहां पर आपका वॉल्यूम जो होगा सिस्टम का फिक्स रहेगा। अब बंद ढक्कन लिया तो थोड़े आपका वेपर आगे तक जाएगा, वहीं पर उसी में घूमेगा, उसी में घूमेगा, उसी में घूमेगा। यस इजी। नेक्स्ट एडियाबेटिक प्रोसेस, नाइदर हीट न तो बाहर जाएगा न तो अंदर जाएगा, तो नो एक्सचेंज ऑफ हीट बोल सकते हो। एडियाबेटिक में क्या बोलेंगे? नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। और इस प्रोसेस में हम क्या बोलेंगे? कंप्लीटली इंसुलेट हो जाता है आपका जो सिस्टम होता है ना बच्चे, उसको हम सराउंडिंग से कट कर देते हैं। भाई तुमको कोई लेना देना नहीं है सराउंडिंग से, तो जाओ तुम अपने आपको कैद कर लो कैद खाने में। सही बात है कि नहीं? यस। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मजेदार कंसेप्ट है सब। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? देखो बहुत से लोग कंफ्यूज, सर ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? जब मैं बोलता हूं रिवर्सिबल प्रोसेस, आपको कुछ समझना है यहां पर। जब मैं बोलता हूं रिवर्सिबल प्रोसेस, तो मान के चलो कि मैंने एक पिस्टन ले लिया, यहां पर ये पिस्टन है इस तरह से, और यहां पर गैस है, गैस गैस, ध्यान देना यहां पर ये गैस है बच्चे। अब मान के चलो कि ये जो गैस है ना वो एक्सपांड हो रही है। गैस क्या हो रही है बोलो? एक्सपांड हो रही है। तो ड्यूरिंग दिस एक्सपांशन ये धक्का मारेगा, इस पिस्टन के धक्का मारेगा, और ये पिस्टन तब आपका धीरे धीरे अपोजिट मतलब रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। हम बोलेंगे कि ये जो प्रेशर होता है वो पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, पी एक्सटर्नल, लेकिन धक्का मारने की वजह से ये पी एक्सटर्नल आपका माइनस बन चुका है। कौन धक्का मार रहा है? ये धक्का मार रहा है। जितना धक्का ऊपर से आएगा उतना धक्का नीचे जाएगा, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस पी पी एक्सटी बन जाएगा। मतलब मुझे एक चीज और समझ में आ गई कि सर मतलब जो ऊपर वाला पी है और जो नीचे वाला पी है, इन दोनों में डिफरेंसेस होने वाले हैं। मतलब ये पी एटमॉस्फेरिक वाला है और ये पी मेरा सिस्टम का है, समझो, समझाने के लिए बता रहा हूं। ये दोनों में ऐसा डिफरेंस हो सकता है कि भाई पी सिस्टम वाला ज्यादा होगा, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। जब दोनों में डिफरेंसेस होंगे तो ही मेरा पिस्टन रिवर्स मूव कर सकता है। आप ये कभी नहीं बोल सकते हो कि आपका पिस्टन रिवर्स मूव करने लगा प्रेशर सेम होने के बावजूद, ऐसा नहीं होता। प्रेशर में डिफरेंसेस आने चाहिए। यही सारे पॉइंटर्स यहां पर आपको क्या करना है? कवर करना है। चलो दिखाते हैं आपको मैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस, कंसिडर अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद द मूवेबल पिस्टन, जैसे मैंने आपको बताया। लेट द एक्सटर्नल प्रेशर बी पी एक्सटर्नल, जो कि ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द पिस्टन पे अप्लाई होता है, टू बी सेट इक्वल टू द प्रेशर पी, जो नीचे से प्रेशर आ रहा है उसके बराबर होगा। नाइदर एक्सपांशन नॉर कंप्रेशन
ऑफ द गैस अकर्स, तो इस समय अगर दोनों बराबर होंगे तो न तो कंप्रेशन होगा न तो एक्सपांशन होगा। अ सिस्टम इज सेट टू बी देन इक्विलिब्रियम, तब हम ऐसा बोलेंगे कि भाई ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में पहुंच गया सिस्टम विद द सराउंडिंग। अगर मेरा ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर दोनों सेम हो गए, दोनों ऐसे सेम हो गए तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो है ना इक्विलिब्रियम में पहुंच गया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है। कहां पहुंच गया ये? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है ये, समझ में आया। और अब हम बोलेंगे लेकिन अगर कंसिडर करो कि पी एक्सटर्नल इज रिड्यूस्ड बाय इनफाइनाइट डेसिमल, पी एक्सटर्नल मतलब पी ऊपर वाला, अगर मैंने रिड्यूस कर दिया कुछ अमाउंट से, नाउ पी एक्सटर्नल इज इनफाइनाइट डेसिमली स्मॉलर देन पी, पी मतलब नीचे वाला पी, चलेगा। पिस्टन मूव्स आउट स्लोली, अब धीरे धीरे क्या होगा बच्चे, धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा, अलाउिंग गैस टू एक्सपांड, अब गैस एक्सपांड हो रही है, तो पी एक्सटर्नल इज स्लाइटली इंक्रीज सो दैट इट बिकम्स इनफाइनाइटेसिमल ग्रेटर देन पी, चलेगा। एंड द पिस्टन मूव्स इनवर्ड विद द कंप्रेशन ऑफ गैस, अगर हमने ऊपर वाले प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा दिया तो वो ऊपर वाला प्रेशर जब नीचे जाएगा तो गैस हमारी कंप्रेस होगी। दोनों में फर्क देखो, पी एक्सटर्नल का मतलब कौन सा, नीचे वाला प्रेशर है कि ऊपर वाला है? सर ऊपर वाला प्रेशर है, नीचे वाला प्रेशर को क्या नाम दिया है? पी नाम दिया है। तो अगर मेरा पी बड़ा होगा और पी एक्सटर्नल छोटा होगा तो गैस धक्का मार रहा है और पिस्टन ऊपर जाएगा। पी एक्सटर्नल बड़ा हो गया मतलब ये नीचे की तरफ आएगा, उसको कंप्रेस करेगा, जैसे ये कंप्रेस करेगा। तो पहले वाले सिचुएशन में हमने बोला गैस एक्सपांड हो रहा है, दूसरे वाले में हमने बोला कि गैस कंप्रेस हो रहा है। बट अगर मैं बोलूं फाइनली कि क्या हो रहा है सर दोनों में, तो हम बोलेंगे एक ऐसा प्रोसेस, ध्यान से देखो जरा, कंडक्टेड इन सच अ वे दैट एट एवरी स्टेज द ड्राइविंग फोर्स ड्यू टू प्रेशर पी इज इनफाइनाइटली ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स दैट इज पी एक्सटर्नल, ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर पी एक्सटर्नल। मतलब एंड में हम ये बोलने वाले कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पर नीचे वाला प्रेशर जो है ज्यादा होगा, ऊपर वाला प्रेशर कम होगा, मतलब नीचे वाले प्रेशर का मतलब पी इज इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर, मतलब कि थोड़ा सा ही ज्यादा होगा बट होना चाहिए। एंड विच कैन बी रिवर्स्ड बाय अ स्लाइट चेंज ऑफ अपोजिंग फोर्स इज रिवर्सिबल प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी? यस, कोई कंफ्यूजन? ऑस्मोसिस का मतलब होता है बच्चे फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ऑस्मोसिस है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो उस फ्लो को रोक दे, ऑस्मोटिक प्रेशर, और बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस जो उसको रोके नहीं बल्कि उसको रिटर्न भेज दे, उसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तीनों में फर्क समझ में आ गया। नेक्स्ट इसके फीचर्स की बात होगी, फीचर्स बहुत ईजी होते हैं भाई। फीचर्स मतलब क्या आपको दिख रहा है यहां पर, क्या क्या लग रहा है आपको, रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों अप्लीकेबल हो रहा है यहां पर? ऑब्वियस बात है, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में हल्का सा डिफरेंसेस होने चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट में डिफरेंसेस होने चाहिए, तब जाके आपको रिवर्सिबल प्रोसेस मिलेगा। दूसरा, जो प्रोसेस आप करते हो यहां पर रिवर्स करते हो उसके लिए इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन कंडीशन भी चलेगा, मतलब द प्रोसेस कैन बी रिवर्स बाय इनफाइनाइट चेंज इन कंडीशन, कंडीशन में अगर आपने थोड़ा भी चेंज किया, इतना सा भी चेंज किया तो भी रिवर्सिबल के लिए काफी है, तो भी रिवर्सिबल के लिए काफी है। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? नेक्स्ट ये हर एक स्टेज पे जाएगा और इक्विलिब्रियम बन जाएगा, फिर आगे वापस चालू होगा, मतलब पॉइंट नंबर थर्ड बोलेंगे अ रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड इनफाइनाइटली स्लोली, बहुत स्लो होता है एंड टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, बहुत धीरे धीरे जाता है, जैसे कि ये एक बड़ा फिर कुछ टाइम रुकेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। और एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप्स ऑफ प्रोसेस, हर स्टेप के प्रोसेस में सिस्टम अटेन्स मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, सिस्टम जो है कि भाई मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अटेन करता है, मतलब कि नीचे वाला ऊपर वाला दोनों क्या हो जाएंगे आपके लिए सेम हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, फिर वो इक्विलिब्रियम में चला गया, फिर उसका गैस एक्सपांड हो गया और फिर ऊपर बढ़ेगा, मतलब पहले सेम फिर ऊपर बढ़ेगा, इस तरह से चीजें जा रही है। चेक करते चलो। नेक्स्ट नेचर ऑफ वर्क, बड़ा बेसिक चीजें हैं। नेचर ऑफ वर्क का मतलब क्या है बच्चे? यहां पर नेचर ऑफ वर्क का मतलब है कि एग्जैक्टली आपको बताना है कि भाई किस तरह से आपका जो वर्क होता है वो पी इंटू वी के बराबर होता है। सही बात है, ये आपने किया होगा आपके बोलते हैं कि नॉर्मल टाइम पे कि भाई किस तरह से हम इसको करते हैं और इजी भी है। देखो कैसे करना है आपको, अगर मैं आपको बोलूं एफ इंटू डी के रूप में, वर्क जो होता है ध्यान देना बच्चे, वर्क जो होता है वो जनरली हम ऐसा मानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, सबने पढ़ा होगा। ये हमको क्या करना है बच्चे, समझना है कि एफ जो डब्ल्यू होता है हमारा एफ किस तरह से एफ इंटू एस के रूप में। लेकिन अगर मैंने क्या किया, ये हमको समझना है कि ये चीज हमारे पास होती है
मैंने पिस्टन ले लिया, समझो पहले ये मेरे पास पिस्टन है, पिस्टन पे ये क्या अप्लाई हो रहा है, पी एक्सटर्नल, एक पी एक्सटर्नल मतलब पी ऊपर से अप्लाई हो रहा है। यहां पर क्या है बच्चे, गैस है, कंप्रेस होने वाली है, ठीक है, हालांकि वो कंप्रेस हो जाएगी जब ऊपर से अप्लाई करेंगे, और जब ये बंदा नीचे से अप्लाई करेगा तब ये क्या होगा बोलो, पी एक्सटर्नल आपका माइनस बन जाएगा, ये सेम प्रेशर पर माइनस में आ गया। तो अभी फिलहाल मैं आपको बोलूंगा कि जो हमारे पास वर्क डन है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि फिजिक्स में आपने ऐसा पढ़ा होगा, बस यही हम यूज करने वाले। तो हम बोलेंगे जो वर्क डन है बच्चे वो यहां पे क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे वर्क डन, जो वर्क डन है जरा उसको देख लेते, द वर्क डन इज गिवन बाय, अगर जब इसको मैं धक्का मारूंगा तो ये पिस्टन आपका साइज क्या होगा बच्चे, उसका चेंज होगा, ऐसा हो सकता है कि ये यहां पर आ गया, मतलब ये डिस्टेंस आ गया आपके लिए, और ये क्यों आया, क्योंकि आपने फोर्स लगाया। तो बोले वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू डी आ गया सर। अब मुझे बताओ फोर्स क्या है, इन टर्म्स ऑफ एरिया बताना है, तो हम बोलेंगे फोर्स जो होगा मेरा प्रेशर इंटू एरिया का काम कर रहा है। कैसे पता चला सर, देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये आपका एरिया है बच्चे पूरा, जो मैं इसमें कलरिंग कर रहा हूं ये पूरा एरिया है, और इस पूरे एरिया पे आपने क्या किया है, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, इस तरह से ऊपर से फोर्स लगा रहे हो, तो आप बोलने वाले कि जो फोर्स है आपका वो प्रेशर इंटू एरिया है। क्या ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत किसी को भी कहीं पर भी, अगर मैं बोलूं कि चार प्रेशर इंटू एरिया जो मुझे दिखाई दे रहा है, अगर मैं उसको पुटअप कर दूं ऊपर, इसको एक बार पुटअप कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा यहां पर देखो जरा, एफ की जगह पे मैंने ले लिया पी इंटू ए इंटू डी, एग्री कर रहे हो, कोई दिक्कत किसी को भी कहीं पर भी, जल्दी से बोल बच्चे, ये कोई डाउट है तो बोलो, सर एरिया क्या है, डी क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि एरिया का मतलब होता है जनरली डी स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इंटू लेंथ लेना होता है, और अगर मैं यहां पर रिप्लेस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा पी इंटू डी का क्यूब विच इज इक्वल टू वॉल्यूम, जो मुझे इस तरह से दिखाई देता है, चलेगा, दिखाई दे रहा है, यस, कोई डाउट है किसी को तो चेक कर लो। तो नेचर ऑफ वर्क में मैं मुझे क्या बोल रहा है जनरली, यस बोलो बच्चे, कि W जो होता है पीवी के बराबर होता है, मतलब आप एंड में बताएंगे कि पीवी जो होता है वही आपका W होता है, कोई दिक्कत कोई डाउट चेक कर बच्चे, ये छोटा सा बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई इतना ये नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा या कुछ ऐसे छपने वाला है। नेचर ऑफ हीट अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार कैसा होता है मैं आपको बता रहा हूं, समझो एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि नेचर ऑफ हीट में क्या बोलना है, ये आपका सिस्टम है, सिस्टम से हीट बाहर जा रहा है, सिस्टम से हीट अंदर जा रहा है, सिस्टम पर काम क्या जा रहा है, सिस्टम के बाहर काम क्या जा रहा है, तो भाई एक्चुअल में माइनस कब आता है प्लस कब आता है, इसी के बारे में यहां पर जानना है, और वो इंफॉर्मेशन मैंने आपको आगे रखा हुआ है। देखो यहां पर ये देख बच्चे एकदम धमाकेदार तरीके से बोलो, यस बोलो बच्चे क्या बोला है, साइन कन्वेंशन ऑफ डब्ल्यू एंड क्यू, मतलब अगर ये आपका सिस्टम है, अगर आपने ऑन द सिस्टम किया है, ऑन द सिस्टम सिस्टम के ऊपर, देखो जब आप बोलते हो ऑन द सिस्टम मतलब काम सिस्टम पर हुआ है, मतलब काम किसी और ने किया, नहीं समझा, और अगर मैंने बोला काम सिस्टम के द्वारा हुआ है, मतलब काम सिस्टम ने किया किसी और पे, मतलब सराउंडिंग में हुआ रहेगा, तो जब भी काम सिस्टम करता है अपने दिमाग को अलर्ट कर दो, एकदम अपने दिमाग को अलर्ट कर दो कि भाई माइनस साइन आएगा। जरा देखो यहां पर क्या दिया है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब माइनस साइन आना चाहिए, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम प्लस आना चाहिए, अगर हीट एब्जॉर्ब हो गया है, हीट मिला है सिस्टम को, तो प्लस साइन दिखाना है, सिस्टम से हीट बाहर चला गया तो माइनस क्यों दिखाना है, बोलो समझ में आ गया ये चार चीज, क्या ये चार चीज एकदम बढ़िया से समझ में आ गया, कोई दिक्कत है कहीं पर भी, कोई कंफ्यूजन, नेक्स्ट ये चीज हमने यहां पर आपके लिए रखी हुई है, अलग से हमने रख भी दिया है ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना आए, चेक कर ले बच्चे फटाफट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, अब तो मैंने बता ही दिया है, ये वही चीज फिर से रिपीट हो रही है एक तरह से, प्रेशर वॉल्यूम वर्क का मतलब क्या है, मतलब मैं यहां पे W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V की बात करने वाला हूं, किसकी बात करूंगा,
बोलो जरा। तो मैं बात करने वाला हूं प्रेशर इक्वल टू सॉरी वर्क इक्वल टू माइनस पीएच एलिनियर लगे। मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। कंसीडर अ बीकर, थोड़ा नीचे ले लेते और पिस्टन का पैटर्न पकड़ते हैं। पहले ये बीकर है, इस बीकर पे ये पिस्टन के दो मैंने साइड पकड़ लिए इस तरह से। ये मेरा इनिशियल, ये मेरा फाइनल है, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा कहीं ना कहीं मेरे लिए डी का काम करेगा। ये मेरा पिस्टन है इस तरह से। कोई डाउट चेक करो, चेक कर बच्चे, यहां तक चेक करो पहले। एक मिनट जरा, एग्जाम में डायग्राम बनाना होगा, बिल्कुल बनाना होगा, बिल्कुल ये डायग्राम बनाना है आपको 101% बनाना है। अब आपको बोलना है कि सर ये क्या है, तो ये जो है आपका इनिशियल वॉल्यूम है, ये आपका फाइनल वॉल्यूम है, इनके बीच का डिस्टेंस मैंने डी बता दिया आपको। आप बोलेंगे लेट या कंसीडर, कंसीडर ये थोड़ा सा दो चार लाइन लिख दो आप इसके बारे में। कंसीडर अ सिलेंडर हैविंग मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऑफ एरिया ए, ठीक है। आगे लेट वी वन इज द इनिशियल वॉल्यूम एंड V2 is the final volume, चलेगा। And V2 is the final volume. Small d is the distance, is the distance between V1 and V2। क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? अब बोलेंगे दिमाग चलाना बच्चे। अगर मैं बोलूं कि पिस्टन में अप्लाई कर रहा हूं ऊपर से, तो कॉमन सी बात है कि मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। क्या अप्लाई कर रहा हूं? फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो मेरा क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो मैंने यहां पर पी एक्सटर्नल अप्लाई किया है, ये पी एक्सटर्नल नीचे की तरफ आएगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कई बार बताता रहा हूं कि ये आता नीचे की तरफ है, तो नीचे वाला जो प्रेशर है वही आपको क्या करता है बच्चे, हम इक्वल मानते हैं जब ये बंदा नीचे से ऊपर अप्लाई करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज माइनस पी एक्सटर्नल। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका एरिया रहेगा वो पूरा का पूरा सेम रहेगा। तो ये एरिया ही यूज होने वाला है, गैस के पार्टिकल ये पूरा कवर करके धक्का मारेंगे ऊपर की तरफ। मतलब आप बोलने वाले हो द फोर्स एग्जर्टेड बाय गैस इज गिवेन बाय, बोलो किससे दिखाएंगे? तो फोर्स इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ए हो जाएगा। पॉइंट नंबर वन ले लो इसको। क्या कोई कंफ्यूजन है किसी को? कोई कंफ्यूजन है? एक एक चीज एकदम करवा के दे रहा हूं बच्चे बढ़िया से। कोई डाउट है? अब क्या करेंगे? अरे अब तो बहुत इजी होने वाला है, अब तो पता ही आपको। सिंस द वर्क डन is given by, since the work done is given by, हमको पता है W equal to F into D होता है। अब हम बोलेंगे from equation one हमको मिल जाएगा W equal to minus P external into A into D, ठीक है। Again A जो होगा वो आपके लिए D square है, therefore W equal to माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी का क्यूब। डी का क्यूब मतलब क्या आ गया सर? तो हम बोलेंगे ये कहीं ना कहीं चेंज इन वॉल्यूम दिखाएगा। डी क्यूब मतलब वॉल्यूम माना जाता है। डी क्यूब हम क्या मानते हैं? वॉल्यूम मानते हैं, ठीक है, जो कि चेंज इन वॉल्यूम हम बोलेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया बोलो? हमारे पास आंसर आ सकता है कि डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, इस तरह से हमारे पास एंड में रिजल्ट मिल जाता है, चलेगा। अब इसमें केसेस बनेंगे। केस नंबर वन, दिमाग चलाना बच्चे। अगर हमने मान लिया कि मेरा V2 बड़ा है, V1 छोटा है,
ये आंसर किसमें आएगा? प्लस में आएगा। अब इसके प्लस करने से बोलो टोटल आंसर किसमें आएगा? माइनस में आएगा। मतलब वी टू बड़ा है, वी1 छोटा है, तो हम बोलेंगे डब्ल्यू इक्वल टू नेगेटिव। डब्ल्यू जो होगा मेरा वो नेगेटिव पी एक्सटर्नल, या फिर नेगेटिव बोल दो, सिर्फ नेगेटिव आएगा। और मैंने पीछे बताया था कि अगर डब्ल्यू नेगेटिव है तो क्या होता है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम बोलने का, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। याद आया कुछ? यस सर। दूसरा क्या बोला था मैंने केस टू में? इफ वी वन इज ग्रेटर देन वी टू, तब जो डब्ल्यू होगा ना बच्चे वो पॉजिटिव में आने लगेगा। और अगर डब्ल्यू पॉजिटिव में आ गया तो भाई यहां पे लिखने का वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। क्या मैं ये उम्मीद करूं कि हर एक बच्चे को पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया? जल्दी बोलो, क्या मैं ये उम्मीद करूं कि हर एक बच्चा यहां पर एकदम क्लियरिटी में जी रहा है, कहीं पर कुछ भी नहीं हो रहा है? बोलो यस, हर एक बच्चा एकदम क्लियरिटी में जी रहा है, कोई दिक्कत? अरे कोई डाउट है तो बोलो यार। नेक्स्ट यूनिट रिलेशन। नेक्स्ट क्या है बच्चे? यूनिट रिलेशन देख लो। ऐसे तो सीधा याद करना है, लेकिन विथ लॉजिक आगे बढ़ेंगे। मुझे पता है कि वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स जो होता है पावर इनटू एरिया होता है, और पावर जो होता है वो पास्कल है, एरिया का मीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस भी मीटर, तो मीटर क्यूब आ गया, और वर्क डन का जूल होता है। तो पहला आंसर ये हो सकता है मेरा, जो आपको दिखाई भी दे रहा होगा शायद यहां पर, कि वन जूल जो है, देखो ध्यान से, ध्यान से देख बच्चे, वन जूल जो है वन पास्कल मीटर क्यूब के बराबर। सर ये वाला भी बता दो, ये तो ऊपर ही था बच्चे, यहीं पे रिप्लेस करना था, बस यहीं पे रिप्लेस कर दो। कि ऐसा हो सकता है कि W इक्वल टू एफ इंटू एस में F जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन हो सकता है। ऐसे केसेस में किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस टू आ गया, S मतलब मीटर होता है, मतलब इसका आंसर बन सकता है किलोग्राम। ठीक है, रुको जरा एक मिनट, कहीं गड़बड़, अच्छा ठीक है वो नीचे आ गया, चलो कोई बात नहीं, मीटर स्क्वायर एस माइनस टू। चेक कर बच्चे ये कहीं पे दिख रहा है आपको, कहीं पे दिखाई दे रहा है? ऐसा हो सकता है, यस पापा सर देख लो, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ मतलब एम ए, एम मतलब के जी, ए मतलब एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैसे का वैसे मीटर, ये मीटर, ये मीटर, मीटर टू हो गया और ये मीटर सेकंड हो गया, ये आपका एक जूल में ये आंसर भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे सकता है। यस, उसके अलावा क्या है देखो जरा, ये आपको दिखाई दे रहा है कहां पे दिखाई दे रहा है? पहले वाले पे दिखाई दे रहा है, देखो यहां पर दिखाई दे रहा है, कंफ्यूज मत होना, ये भी है देखो यहां पर दिखाई दिया, दिखाई दिया। अब बोलेंगे सर एक पास्कल का क्या वैल्यू होगा, एक पास्कल का बताओ, तो मैं आपको बोलूंगा कि पास्कल मतलब क्या? प्रेशर, और प्रेशर किसके बराबर होता है बोलो? तो प्रेशर इक्वल टू होता है सर फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैंने बोला फोर्स एम ए है और एरिया ए है, फोर्स एम ए मतलब के जी, मीटर एस माइनस टू, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, ये भाई साहब कट जाएंगे, एक एम बच गया, एक एम ऊपर लेके चले जाओ, मतलब ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर माइनस वन एस माइनस टू। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ये कितने के बराबर है सर? एक पास्कल के बराबर है, एक पास्कल के बराबर है। चेक करो जरा, चेक करो फटाफट, ऐसा लग रहा है कि यस सर सेम टू सेम एकदम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया। अब हम बोलेंगे एक बार, तो एक बार में क्या होता है बच्चे? यस, एक बार में क्या होता है जल्दी बोलो। सर मतलब नेगेटिव एंड ऑन पॉजिटिव, क्या बोल रहे हैं? यस गणेश भाई, क्या नाम है? नाम भगवान का है भाई, ऐसा मत करो यार गणेश, कम से कम भगवान के नाम को तो खराब मत करो यार, हैं? नहीं तो चैट के एक्सेस में क्या करता हूं? गणेश का दिखना पड़ेगा भाई, गणेश किधर गए? गणेश खुद लग रहा है छोड़ दिया रहेगा चैट। गणेश
चलो गणेश यहां पर हाथ ऊपर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे, ब्लॉक कर रहे हैं क्या गणेश? मतलब कि नेगेटिव एंड ऑन, ऑन मतलब, मतलब बाय मतलब, अच्छा बाय मतलब नेगेटिव, हाँ सिस्टम बाय, सिस्टम सराउंडिंग ने काम किया सिस्टम के ऊपर, तो सराउंडिंग ने काम किया तो पॉजिटिव और सिस्टम ने काम किया तो नेगेटिव, सिंपल। यस स्पैम मत करो बच्चे गणेश, स्पैम मत करो, मैं ब्लॉक कर दूंगा नहीं तो पब्लिक डिमांड पर। चलो ये समझ में आया सर, वन बार का जरा बता दो, वन बार मतलब प्रेशर ही होता है तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए इजी रहेगा। देखो यही चीज ऊपर वाली चीज रिपीट हो गई है, किलोग्राम ये देखो मीटर माइनस वन एस माइनस टू, ये बार मतलब प्रेशर ही होता है, तो पास्कल ने लेके बार ले लिया है, 10^5 पास्कल होता है जो कि 10^5, ये पास्कल को रिप्लेस कर दो, पास्कल में ये डाल दो बस इतना ही सेम है, तो ये वाला भी पार्ट सेम होगा, तीनों सेम टू सेम होगा। 1 dm³ डाल दो, बार वैसे का वैसे dm³ डाल दो, तो सर कैसे करेंगे, तो dm³ में याद रखना आज के बाद से dm³ मैंने वैसे का वैसे ही लिया हुआ है, उसकी जगह पे एक्चुअली 10^-3 m³ होता है, तो ये वैसे का वैसे ही है, ये वैसे का वैसे ही है। अब इसको सॉल्व किया तो 10^2 आ गया, मतलब 100 दिस वैल्यू, और ये जो वैल्यू होती है वो जूल के बराबर है, तो हम बोलेंगे 100 जूल आ गया मेरा आंसर। चेक कर बच्चे, चेक कर जल्दी से, कोई दिक्कत कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी, चीजें एकदम आसान लैंग्वेज में समझ में आ रही है? यस बिल्कुल ना यार, मुझे तुम लोगों ने एकदम, मैं बोला क्या हो गया भाई, मारा मारी कर रहे हैं तुम लोग चैट में आके। चलो नेक्स्ट क्या है सर, एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वर्क डन, रेडी हो जाओ धमाके के लिए। डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर। डायग्राम में क्या बोल रहा है? डायग्राम में यही बोल रहा है कि जैसे जैसे आप एक एक मास कम करते जा रहे हो, तो यहां से मास कम कर दिया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये गैस का जो अमाउंट है वो थोड़ा सा एक्सपांड होने लगेगा, यहां पे एक और कम कर दिया, और कम कर दिया। आप समझ सकते हो कि यहां पर इतना चेंजेस आ रहा है, यहां पर भी चेंजेस आ गया, यहां पर भी चेंजेस आ गया उसके डिस्टेंस के अंदर, तो ये हम यहां पर यूज करने वाले। मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, बोलो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जैसे जैसे मैं मास कम करूंगा वैसे वैसे नीचे का प्रेशर जो है बच्चे मेरा धीरे धीरे जो है कि रिलीज होगा, बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? रिलीज होगा। रिलीज मतलब थोड़ा सा एक्सप्रेशन जो है कि यहां पर इस तरह से हो जाएगा कि एज एज द मास अप्लाइड ऑन सिलेंडर इज रिमूव्ड देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस क्या होगा भाई? रिड्यूसेस, चलेगा। जैसे जैसे मैंने मास हटाया तो ये गैस ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ये एक्सपांड होगा ज्यादा और प्रेशर मेरा कम हो जाएगा। प्रेशर ज्यादा कम होगा जब हम उसको चिपका देंगे, एकदम कम जगह देंगे। अब तो जगह ज्यादा मिल रही है, अरे जगह तो ज्यादा मिल रही है, तो बाई डिफॉल्ट क्या होगा बच्चे, यहां पर आपका जो गैस होगा वो क्या होगा, आपका प्रेशर क्या होगा उसका रिलीज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां से इसका मैथमेटिकल पार्ट, मैथमेटिकल जर्नी शुरू होने जा रही है। क्या इस जर्नी में मेरे साथ आने वाले हो? जल्दी बोलो एवरीवन, क्या करने वाले हैं सर? कुछ नहीं कर रहे हैं यार, बड़ा सिंपल है। अगर मैं बोलूं कि वर्क डन क्या होता है, जल्दी बोलो, बोल बच्चे, तो आप क्या बोलेंगे? द स्मॉल वर्क डन इज गिवन बाय, सर वर्क डन क्या होता है? dW इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू dV। ये मेरा क्या है बच्चे, पहले वाला जो है कंसेप्ट वो मैंने लिया हुआ है। अब हमको पता है कि सिंस पी इज ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल, सिंस पी इज ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल
मतलब कि इसीलिए हम बोलेंगे पी माइनस पी एक्सटर्नल जो होगा वो डीपी के बराबर होगा। किसके बराबर? डीपी मतलब एक स्मॉल वैल्यू आएगी। अब माइनस प्लस को थोड़ा सा शिफ्ट करो क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है फिलहाल पी एक्सटर्नल में जो कि मुझे ऊपर दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं कि इसको यहां लेके आते हैं, इसको यहां लेके आते हैं। मतलब आप बोलेंगे कि पी एक्सटर्नल अगर यहां चला गया तो पॉजिटिव में आ गया, तो ये बन जाएगा पी माइनस डीपी। और इससे हमारा इक्वेशन वन जो है ना मेन वाला वो क्या बन जाएगा बोलो? तो हम बोलेंगे इक्वेशन वन बिकम्स, देखते जाओ बच्चे, मतलब ये बन जाएगा हमारे लिए डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डी पी इंटू डीवी। अब ये माइनस की वजह से बन जाएगा माइनस पी डीवी, लेकिन यहां पर बन जाएगा डीपी डीवी। अब ये डी डब्ल्यू का आंसर आ गया। अब आप बोलेंगे सिंस डीपी इंटू डीवी इज वेरी स्मॉल, क्या ये बात समझ में आई? ये बहुत स्मॉल था इसलिए इनको नेग्लेक्ट कर दिया गया, तो हमको मिलेगा डी डब्ल्यू इक्वल माइनस पी डीवी। अब हम क्या करेंगे? अब हम लिमिट लेने वाले हैं। याद करो फॉर मैक्सिमम वर्क डन मैक्सिमम वर्क डन के लिए बोलो क्या होगा? फॉर मैक्सिमम वर्क डन हम क्या बोलेंगे? टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन इक्वेशन टू। तो हम बोलेंगे ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा भाई? ये तो मैक्सिमम वर्क डन बन जाएगा बिना विदाउट एनी डाउट। अब ये बन जाएगा आपके लिए वी वन अपॉन वी टू, इस तरह से इनिशियल टू फाइनल चलेगा। पी डी वी आ गया, माइनस पी को बाहर निकाल लो, V1 अपॉन वी वी इस तरह से ले लो। सर ये क्या है? तो हम बोलेंगे ये V मैक्स आ गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी? एक काम करो, रुको जरा, पहले ये समझो, पहले ये P को डायरेक्टली बाहर मत निकालो। P को हम ऐसा मानेंगे कि जो P एक्सटर्नल है या जो P ऊपर से लग रहा है या फिर जो P एक्सटर्नल है वो क्या होंगे बच्चे? आपके दोनों इक्वल रहेंगे। मतलब इसलिए हम बोलेंगे कि P हमारा क्या होगा? कॉन्स्टेंट हो चुका है। P क्या हो चुका है बच्चे? हमारे लिए कॉन्स्टेंट हो चुका है, ऐसा हम पहले मान लेते हैं। आपके लिए भी क्या होगा बच्चे? काम एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है? तो हम यहां पर बोलने वाले हैं सिंस पी इक्वल टू पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी ले लो, ठीक है, पी वन है जो भी आपको रखना है। देयरफोर अब हम बोलेंगे कि डब्ल्यू मैक्स जो होगा वो माइनस पी बाहर आ गया, वी वन अपॉन वी टू वी आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दिमाग चलाते रहो। अच्छा एक बार जरा, ये डीवी है, सॉरी बाय फॉल्ट। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन यूजर को कैंसिल कर देंगे। मतलब सर आप क्या बोलना चाह रहे हो? तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि माइनस पी वी आ सकता है क्या? क्या ये चांसेस है कि पी वी आ जाएगा और यहां पर आपको मिल सकता है वी वन वी टू का पैटर्न? मतलब सर आप बोलने वाले हो कि हमारा फाइनल आंसर पी वी टू माइनस ऑफ माइनस, एक मिनट जरा पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। ये बन जाएगा v2 टू माइनस वी, सही बात है, ब्रैकेट ओपन कर दो चाहिए तो पी वी टू प्लस पी वी वन। चेक कर बच्चे, चेक कर जरा, कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी, किसी को कोई कंफ्यूजन? यस, देख लो पहले चलेगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी, अभी मुझे आइडियोग्राफिक इक्वेशन भी लेना है इसके अंदर। अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि मैं यहां पर आइडियोग्राफिक इक्वेशन लू, या तो मेरे पास एक ऑप्शन यहीं पर था कि मैं यहीं पर आइडियोग्राफिक इक्वेशन ले सकता हूं। देखो यहां पर मेरे बच्चे, यहां पर भी ले सकता हूं। कैसे दिखा देता हूं मैं आपको, कि अगर मैं बोलू फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ध्यान दे बच्चे, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन अगर मैं बोलूं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो बताओ पी मेरा कॉन्स्टेंट क्या बन जाएगा? एन अपॉन वी आर टी बन जाएगा। मतलब ये सीधा सब्स्टिट्यूट कर दो, कहां पर? यहां पर। तो ये भी मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे पास वी मैक्स जो होगा वो बन जाएगा माइनस पी रहने दो, ऐसे ही पी की जगह पे डाल दो एन आर टी अपॉन वी, चलेगा। एक काम करो, तब ये इंटीग्रेशन को अभी ना इंटीग्रेशन को ना बाहर मत निकालो,
क्योंकि बाहर निकालने में तकलीफ हो जाएगी आपको, तो इंटीग्रेशन को अंदर ही रहने दो, आपके लिए फायदा हो जाएगा। ये सिचुएशन को हम बाद में फॉलो कर लेंगे। तो यहां पर हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो इस तरह से v1 upon vt pdv, वैसे रहने दो। अब ले लो आइडियोलॉजी इक्वेशन, इसको जब हम ऊपर पुटअप करेंगे, बोलो क्या बन जाएगा? जैसे ही मैंने ऊपर पुटअप किया इसकी जगह पे, बोलो बच्चे माइनस इस तरह से v1 upon v2 के साथ में माइनस nrt, आगे बोलो, आगे बोलो बच्चे, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, रुको जरा, थाम्बा थाम्बा थाम्बा, आप बोलेंगे डब्ल्यू मैक्स इक्वल टू, बोलो बच्चे यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस n upon v rt dv, ये पूरा ऐसा आने वाला है v1 upon v2 करके। अब मैं बाहर निकाल लेता हूं, अब मुझे पता है कि nrt बाहर आ जाएगा, अब मेरे पास पता है कि भाई nrt बाय डिफॉल्ट बाहर आएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो कुछ ऐसा बन सकता है कि भाई w max इक्वल टू माइनस nrt बाहर आ गया। अब मिलेगा आपको dv अपॉन v का इंटीग्रेशन v1 और v2 के टर्म में, और ये आपको क्रिएट करके देगा ln का मतलब ये आंसर बन जाएगा ln v, जिसके ऊपर लिमिट आएगी v1 और v2 की। सर ये कैसे आया? तो ये रूल याद रखना कि इंटीग्रेशन ऑफ 1x dx इक्वल टू ln x, तो ये अपने दिमाग में सेट कर लेना। अब क्या होगा सर? अरे अब वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, मतलब कि माइनस nrt, ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, ln v माइनस है ना हमारे पास, तो इसको मैं ले सकता हूं फिलहाल ln v2 माइनस ln v1 ले सकता हूं। और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर माइनस आ गया तो उसको हम डिवाइड बोलते हैं, मतलब v2 upon v1 को डिवाइड के रूप में देखेंगे। और यही रीजन है कि अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा, सिंस ln क्या है बच्चे, तो हम बोलेंगे सिंस ln जो है 2.303 लॉग टू द बेस 10, कितना इजी हो रहा है, मतलब धड़ल्ले से उड़ रहा है एकदम, एक चीज पकड़ लिया उसी को आगे लेके चलो, आपको लगेगा सर कितना इजी है ये। डब्ल्यू मैक्स इक्वल टू माइनस 2.303 nrt लॉग टू द बेस 10 v2 upon v1। क्या ये चीज एकदम दिमाग के नसों में जाके उतर गया? चेक करो और बोलो, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि तुम बेहोश हुए तो मुझे वो भी बता दो, कहीं पे लगा तुम्हें बेहोश हुए तो बच्चे वो भी बता दो मुझे, जल्दी बोलो, कहीं पे ऐसा लगा बेहोश? सर नेगेटिव साइन आएगा, बिल्कुल आएगा, स्टार्टिंग से दिखा रहा हूं, फिर से जरा देख लो, मैंने क्या बोला, स्मॉल वगड़न हमने मान लिया, ये स्टार्टिंग से नेगेटिव साइन दिख रहा है आपको, यस सर, सिंस पी जो है ग्रेटर है आपका पी एक्सटर्नल की कंपनी में, इसलिए पी माइनस पी एक्सटर्नल को डीपी इज अ स्मॉल प्रेशर, तो हमने पी एक्सटर्नल को यहां डाल दिया और इसको यहां ले लिया, तो बाय डिफॉल्ट डीपी माइनस पी आ जाएगा। देखो इस तरह से ये यहाँ, सॉरी वहां तो बराबर इक्वल के साइड नहीं, ये साइड आएगा, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, मतलब पी माइनस डीपी आ गया, तो हमारा इक्वेशन वन जो ऊपर वाला वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ओपन किया तो हमारा ये क्या हो गया, dw इक्वल टू माइनस pdv आ गया। मैक्सिमम वर्कडन के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं इक्वेशन टू का, इंटीग्रेशन ले लिया तो ये माइनस के रूप में, ये देखो इस तरह से हमने क्या किया, हमने वही कॉपी कर दिया। आइडियल गैस इक्वेशन हमको ये बोलता है कि pv इक्वल टू nrt है, तो मैंने v को नीचे ले लिया n upon v rt, और माइनस कहां से आया सर, ये जब हमने ऊपर पुटअप करना स्टार्ट किया तो माइनस पहले से लगा हुआ, देखो माइनस n upon v rt, आगे dv पहले से लगा हुआ था। अब इसमें nrt आपका कॉमन मतलब कॉन्स्टेंट ले लो, क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं दिखाते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं v1 to v2। देखो दोबारा देखने से फायदा हो रहा है कि आपको गलती क्या होगी वो समझ में आ जाएगा मुझे, ठीक है, तो ये v1 to v2 हो गया, तो dv upon dv हो गया, अब v max equal to minus nrt हो गया, इसको हम बोलेंगे ln v2 v1, ln जो होता है बच्चे ln2 माइनस ln1 होता है, और बाद में जब हम कॉमन लेंगे तो ln2 इस तरह जाएगा। अब हमको पता है कि ln का वैल्यू ये होता है, तो मैंने पुटअप कर दिया ये। अब आगे बॉयल्स लॉ भी आपको पता है, बॉयल्स लॉ पता है कि नहीं पता है, बोलो बॉयल्स लॉ, यस सर, तो यहां पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के हिसाब से ऐसा होता है, अब v2 अगर मैंने यहां ले लिया तो मुझे मिल जाएगा p1 upon p2 इक्वल टू v2 upon v1, मुझे ऐसा मिल जाएगा, और अगर मुझे ऐसा मिल जाएगा तो मेरा मेन इक्वेशन वापस से चेंज हो जाएगा। आपको देखो यहां पर हमारा मेन इक्वेशन फिर चेंज होने वाला है, जिसको हम बोलेंगे w max
इक्वल टू 2.303 एनआरटी लॉग टू द बेस 10 P1 अपॉन P2। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये एकदम बढ़िया से छपा होगा पेपर में, आपके दिमाग में एकदम बढ़िया से पेपर में छपे और यहां पर आपके दिमाग में छपे। बोलो मजा आ गया, बोलो मजा आ गया। यस, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी है तो बोल दो बच्चे, कोई डाउट है तो बोलो। किसको बायकॉट कर रहे हैं तुम लोग? बच्चे लोग को पढ़ाई करने नहीं दोगे तुम लोग? बता, सबको बायकॉट ही करना है। यस, चलो फटाफट जरा पानी वानी पी लो भाई, जल्दी जल्दी पानी वानी पी के एकदम रेडी रहो। रेडी? यस, फटाफट फटाफट रेडी हो जाओ। एकदम ऐसा लग रहा है एकदम सर बहुत इजी नंबर, ये तो बहुत इजी था, मतलब अपने आप में। जो लोग चाहते हैं कि सर पर दिखा दो तो देख लो भाई, स्लाइड रखता हूं सामने ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से क्या कराया मैंने। डायरेक्ट न्यू बोतल, हाँ भाई हम पानी कैसा ना, हम पूरा ट्रे का लाके यहीं पर रख देते हैं, दिन भर यहीं पड़े रहते हैं ना, पानी लेके कहां भटकेंगे हम यहां वहां। ठीक है दिनेश सर, यहाँ पे भी सेम आप जाके देखें तो पूरा रैकेट का पूरा बॉटल एकदम बिस्लरी का या जो भी मिलता है हमको यहां पर। ठीक है रेडी, चलो पिज्जा ऑर्डर करो सर। आठ लोग नहीं है मेरे भाई, मेरे पास आठ लोग की टीम बनेगी ना, अलग अलग फ्लेवर यूज करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है चलेगा? यस, चलो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। अब क्या आने वाला है सर? इंटरनल एनर्जी। वापस यहां से थियरी इंफॉर्मेशन चालू हो रहा है धीरे धीरे और काफी इजी भी लगेगा आपको, धड़ल्ले के साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा एकदम। इंटरनल एनर्जी यूज होता है बच्चे, हम ऐसा मानते हैं कि हर एक सब्सटेंस के अंदर इंटरनल एनर्जी होता है और वो एनर्जी जो होता है उसको हम यू से दिखाते हैं। और इंटरनल एनर्जी जो है बच्चे, अगर मुझे दो अलग अलग इंटरनल एनर्जी लिया गया है तो हम बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा यू से दिखाते हैं, मतलब यू टू माइनस यू वन इज द आंसर। इंटरनल एनर्जी क्या है बच्चे? यू टू माइनस यू वन इज द आंसर। लेकिन अगर मैं यू का वैल्यू पता लगा लूं यार, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, अगर मुझे यह पता चल जाए कि यही है इंटरनल एनर्जी, तो क्या मैं अपने काम को आसान कर सकता हूं? मेरे ख्याल से यस यस यस। तो अभी हमने क्या बोला फिलहाल, बोलो जरा। अभी हमने बोला कि भाई जो इंटरनल एनर्जी है, यस बोलो जरा फिर से देख लो, डेल्टा यू इक्वल टू यू टू माइनस यू वन है, जहां पर यह होगा मेरे लिए फाइनल इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी, और ये होने वाला है इनिशियल इंटरनल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो हमको एक चीज तो समझ में आई कि भाई फाइनल इंटरनल एनर्जी और इनिशियल इंटरनल एनर्जी, ये दो चीजें हमको मिलती है अगर दोनों का हमने बोलते हैं डिफरेंस से ले तो हमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ध्यान से सुन लो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट लॉ। तीन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुन लो जरा। यस, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सर क्या बता रहा हूं? जैसे कि अगर मैं बोला आपको कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैंने बोला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ध्यान से सुनो बच्चे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हो गया कि अगर मैं आपको बोलूं, क्या बोलते हैं बच्चे, एक बच्चा कुछ लिख रहा है यार, सर आज फिजिक्स का लेक्चर कैंसिल हुआ है, आप लोग ना, आर यू श्योर 8 बजे का लेक्चर कैंसिल हो गया क्या?
आठ से नौ एकदम फ्री है आप लोग, पहले मुझे चैट बॉक्स में जरा बता दो, चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो क्या आठ से नौ टॉपर बैच वालों एकदम फ्री मोड में हो? यस 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 यस, आठ बजे आपका लेक्चर, आज पीवाई कुछ खत्म कर देंगे ताकि कल मैं नया चैप्टर शुरू कर सकूं। मेरे लिए तो अच्छा रहेगा यार, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, नहीं कि भाई आज आठ बजे लेक्चर लूंगा पर आप पीवाई कुछ खत्म, पॉलीमर नया चैप्टर चालू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स कल से, क्या बोलती पब्लिक? यस, तो भाई आज आठ बजे मैं ग्रुप में डाल देता हूं, यार हमारा एक ग्रुप बना हुआ है उसमें मैं डाल देता हूं। क्या बात है यार, मजा आ गया आज के लेक्चर में। एक मिनट रुक जाओ भाई, बस एक मिनट रुक जाओ, एट पीएम केमिस्ट्री, चलो अब एंजॉय करने के दिन है, तो आज आठ बजे अपन मिलने वाले हैं, ठीक है अपन आठ बजे मिलने वाले, ध्यान देना इस बात को, डन ओके। दस से ग्यारह भी नहीं, दस से ग्यारह ना मेरे बच्चे, दस से ग्यारह नहीं, आठ बजे मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे ना मेरे भाई, याद हो जाओ। सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? तो आज के बाद से एकदम दिमाग में सेट कर लो, तीन पॉइंट अपने को याद ही करना है। अरे तीनों पॉइंट क्या है मेरे भाई, तीनों पॉइंट क्या है? तीनों के तीनों पॉइंट एनर्जी से रिलेटेड है, जो हर एक बच्चा जानता है, हर एक बच्चा जानता है। सर कौन से पॉइंट? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट, है कि नहीं? इट इज जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यही तुम्हें बोलना है। देखो यहां पर क्या लिखा है, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कॉन्स्टेंट, टोटल एनर्जी जो होगा बच्चे आइसोलेटेड सिस्टम में वो कॉन्स्टेंट रहेगी, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कॉन्स्टेंट एंड टोटल इंटरनल एनर्जी जो होगा आइसोलेटेड सिस्टम वो भी कॉन्स्टेंट रहेगा। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कैन बी जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दिस ऑल अबाउट स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट है, और इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। समझ में आया? यस, समझ में आया बच्चे? कोई डाउट? यस, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ो जरा। अगला कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है सर? अब हम यहां पर लेने वाले फॉर्मुलेशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कई बार एग्जाम में आया हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ बताओ और इसके फॉर्मुलेशन की बात करेंगे, फॉर्मुलेशन का मतलब जो इसका इक्वेशन बनता है, आप बोलेंगे डी यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी क्यू, ये होता है आपके लिए फर्स्ट लॉ। इसी को अगर मैं डेल्टा के टर्म में बोलूं तो हम बोलते हैं कि डी डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो जनरली ये नीचे वाला जो इक्वेशन दिख रहा है काफी फेमस होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, ध्यान देना ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स माना जाता है, ये इक्वेशन जहां पर है। अब इसमें हम एक एक प्रोसेस को बात करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इट्स वेरियस प्रोसेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इट्स वेरियस प्रोसेस का मतलब क्या है सर? तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की भाई एनर्जी यहां पर सेम होने वाली है और उसके अंदर अगर मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस लिया हुआ है तो टेम्परेचर हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट का मतलब इंटरनल एनर्जी यहां पर जीरो होगी, जो हमने पीछे भी पढ़ा था, और आइसोथर्मल के लिए जो हमारा इक्वेशन होगा वो ऐसा आने लगा, इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, जिसकी वजह से हम लोग डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू आ गया। पॉइंट नंबर वन, ये बेसिक बेसिक चीजें, एकदम एकदम बच्चों वाली चीजें, इतना ज्यादा टेंशन लेना नहीं, ठीक है? आगे देखो जरा सर, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? What do you mean by adiabatic process? तो adiabatic process में हम बोलेंगे कि जहां पर heat का exchange होना बंद हो जाता है, no exchange of heat, अगर heat का exchange ही नहीं हो रहा है, मतलब Q हमारा zero है, और Q अगर zero है तो यहां पर बन जाएगा हमारे लिए, आप ऐसे दिखा दो, माइनस करने की जरूरत नहीं आपको, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W है, मैं बोलूंगा Q zero हो गया, तो आप सिंपल दिखा दो इस तरह से, rather than माइनस माइनस, ये कंडीशन दिखा दो, ये आपको मिल गया यहां पर दूसरा प्रोसेस जो कि एडियाबेटिक दिखा रहा है। तीसरा पॉइंट, आइसोकोरिक क्या है सर? ध्यान दे बच्चे, यहां पर ध्यान दे जरा, वॉल्यूम मेरा कॉन्स्टेंट होने वाला है, मतलब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो बहुत सारे बच्चे टेंशन में, सर वॉल्यूम कहां से आ गया? अरे फॉर्मूले में तो वॉल्यूम कहीं होता ही नहीं है, देखो कहां पर वॉल्यूम है, कहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है, लेकिन डब्ल्यू की जगह पर कुछ तो होता है। यस, क्या होता है सर? माइनस पी एक्सटर्नल
इंटू डेल्टा वी होता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? और अगर हमने ये बोल दिया कि भाई डेल्टा वी तो जीरो है क्योंकि हमने आइसोकोरिंग प्रोसेस लिया हुआ है, मतलब ये पूरा जीरो हो गया, तो हमको मिलेगा डेल्टा यू इक्वल टू क्यू, ऐसा हमको इंफॉर्मेशन मिल सकता है, जो कि क्यू मतलब वी के लिए, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए, जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। बोलो ये बात समझ में आ रही है? एक एक बढ़िया से एकदम चीजें दिमाग में सेट हो रही है। आगे देखो, कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए, कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए क्या करना है? तो यूजुअली क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन द ओपन कंटेनर अंडर कॉन्स्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन डेल्टा वी यहां पर जीरो नहीं होगा। अब इस केस में जरा सोचो, पहले सोचो, ये बोल रहा है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, ठीक है। अब यहां पर क्या किया इसने, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, बोल रहा है कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू भी ले लिया, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी है। एक काम करता हूं, ये माइनस वाले पार्ट को यहां लेकर आता हूं, तो क्या ये ऐसा हो सकता है? चेक करो कि क्यूपी इक्वल टू, ये यहां माइनस आएगा तो प्लस बन जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। क्या ऐसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एकदम बड़े शानदार जानदार तरीके से हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है, एकदम 101% वाली बात है, 101% वाली बात है। यस, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सर स्कॉलर बैच का भी नहीं है लेक्चर, फिर इसका 7 से 8 होता है, अरे बाप रे, चलो अच्छी बात है, बट 8 से 9 में ट्राई करूंगा लेने का, ठीक है, क्योंकि उसके पहले मैं ले नहीं सकता, क्योंकि हमारा इसके बाद एकलव्य बैच आएगा 6:30, 6:30, 6:30, 6:30, 6:30, 7 बजे से चालू, मतलब 6:30 के पहले से चालू होगा, और वो जाएगा लगभग 7:30, 7:30, 7:30 तक, तो 8 से ही मैं चालू करूंगा, ठीक है। ये क्लियर है बच्चे? एंथैल्पी, सर ये एंथैल्पी किस चिड़िया का नाम है? एंथैल्पी किसको बोलते हैं? ओ मेरे भाई, एंथैल्पी का मतलब यहां पर होता है एच, जहां पर हम बोलने वाले गए कि अगर मुझे एंथैल्पी की बात करनी है तो मैं बोलूंगा इंटरनल एनर्जी को वर्क डन के साथ में एड कर दो, मतलब द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, ठीक है। कैसे सर? कैसे? तो H इक्वल टू इंटरनल मतलब U, वर्क डन के लिए मैंने पी वी ले लिया है, चलेगा। तो अगर मैं बोलूं कि चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, तो क्या आप ऐसे बोलेंगे H2 - H1, जहां पर इसको हम बोलेंगे चेंज इन एंथैल्पी, देख लो पहले, इसको हम बोलेंगे चेंज इन एंथैल्पी, H2 को हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे फाइनल एंथैल्पी, ध्यान देना जरा अच्छे से, ये फाइनल एंथैल्पी है, इसको हम बोलेंगे इनिशियल एंथैल्पी, यस। अब क्या करेंगे, और अगर मैं ये यूज करूं कि भाई H1 क्या होगा, सिंस ऐसे कर दो, सिंस करके लिखो, आपके लिए काम एकदम और ज्यादा आसान हो जाएगा अगर आपने सिंस करके लिख दिया तो। सिंस हम ऐसे बोल सकते हैं H1 इक्वल टू U1 प्लस P1 V1, और H2 जो होगा मेरा वो हो जाएगा U2 प्लस P2 V2। ये दोनों पॉइंट को अगर मैं उठा के कहां डाल दूं, इस बंदे के अंदर डाल दूं, दिखाई दे रहा है, ये दोनों बंदे ऐसे चले गए, तो क्या मैं ये ऐसे बोल सकता हूं कि डेल्टा H जो होगा मेरा वो हो जाएगा मेरे लिए U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 प्लस P1 V1। समझ में आया सबको? बहुत बढ़िया, ब्रैकेट ओपन किया तो क्या मिल गया, ब्रैकेट ओपन किया तो कुछ ऐसा मिल रहा है सर, मतलब हमको मिल जाएगा U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। थोड़ा और मेहनत किया दिमाग चलाने के लिए तो ऐसा लगा कि यार ये तो डेल्टा U बन सकता है, और ये बन जाएगा आपके लिए P2 V2 माइनस P1 V1। अब वो डिपेंड करता है, डिपेंड क्या करता है कि तुमने प्रेशर कहां पे लिया हुआ है। तो अगर हमने ऐसा मान लिया कि भाई जो प्रेशर है मेरा, ध्यान देना यहां पर, सिंस ओपन कंटेनर में है, मतलब P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P मान लिया, तो हम बोलेंगे डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P बन जाएगा V2 माइनस V1।
विच इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और ये कुछ जाना पहचाना सा लगेगा आपको। सर ये जाना पहचाना सा कहां लग रहा है, कहीं तो पढ़ा है, कहीं तो पढ़ा है, दिमाग में आ नहीं रहा है। चलो जरा पीछे आपको दिखा दो कहां पढ़ा है हमने, ये दिख रहा है कुछ, ये दिखा कुछ आपको, देखो डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये क्यूपी के बराबर है, और ये देखो जरा डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल पी इंटू डेल्टा वी, मतलब ये हम बोलने वाले हैं एक और इक्वेशन, सिंस हम जानते हैं कि क्यूपी जो होता है वो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी ऑलरेडी हो चुका रहता है, इसीलिए डेल्टा एच जो है क्यूपी के भी बराबर होता है। यहां तक आपको चीजें पता होनी चाहिए, मजा आया कि नहीं आया इसमें, बोलो 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 बोलो, कोई कंफ्यूजन, अरे कोई डाउट है कहीं पर, कोई कंफ्यूजन है, ऐसा लग रहा है सर क्या मस्के जैसा चीजें निकल रही, एकदम मस्के जैसा चीजें एकदम वन बाय वन सेट होते जा रहा है, एकदम ऐसे लाइन से बोलते ना सेटिंग बुरी लगी हुई है, नहीं देखो क्या बढ़िया तरीके से दिख रहा है। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट क्या है सर, तो नेक्स्ट हम लेने वाले इसी के अंदर आप बोल सकते हो कि भाई अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू केमिकल रिएक्शन, क्या लेने वाले हैं रिलेशन बिटवीन, ध्यान दो अच्छे से, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, कुछ नहीं है बहुत बेसिक सा डेफिनेशन जैसा, मतलब एक रिलेशन बोल सकते हो। डेल्टा एच का जो फॉर्मूला है पहले उसको जरा देख लो, सिंस डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, अगर मैं इसको तोड़ दूं तो ये बन सकता है डेल्टा यू, ध्यान देना जरा, प्लस पी, ये बन जाएगा वी टू माइनस वी वन, एग्री कर रहे हैं सब लोग इस बात से, बिल्कुल एग्री कर रहे हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, पी वी टू माइनस पी वी वन बन जाएगा, मतलब सर ये बन जाएगा डेल्टा यू, एक काम करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पहले ले लेते हैं, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, ध्यान देना यहां पर, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हम बोलने वाले हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, इसका मतलब ये है कि पी वी वन जो होगा वो मेरा एन वन आर टी बन जाएगा, और पी वी टू जो होगा मेरा वो एन टू आर टी बन जाएगा, और अगर मैं इसको इक्वेशन वन में सब्सटीट्यूट कर दूं, ठीक है, इसको इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन टू ले लो, ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं कि भाई इक्वेशन टू बिकम्स, दिमाग चलाए सब टाइम पास है पूरे, ये सब इतना खतरनाक नहीं जितना तुम सोच रहे हो, अरे सर बहुत डेंजर है ये सब, तो देखो ना क्या है, मतलब फुल टाइम पास चल रहा है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, आगे क्या है भाई प्लस, प्लस कहां गया भाई प्लस, आगे बोला पी वी टू, पी वी टू का मतलब एन टू आर टी, फिर बोला है माइनस पी वी वन मतलब एन वन आर टी, ये बात समझ में आई, तो हम बोलेंगे कि भाई डेल्टा यू जो है अगर हमने इसमें आर टी कॉमन ले लिया तो हमको मिल जाएगा एन टू माइनस एन वन, विच इज इक्वल टू, स्ट्रांगली इक्वल टू बोलूंगा डेल्टा एन जी आर टी, सर जी क्या है, जी मतलब गैस के लिए, ये मेरा रिलेशन मिल गया है, बड़ा प्यारा प्यारा रिलेशन आता है, क्या रिलेशन है सर, क्या बात है, मजा आ गया, ऐसा ही रिलेशन हमको लेना है यहां पर, ऐसा ही रिलेशन हमको लेना है अब वर्क डन के लिए, सही बात है सर, 20 मिनट में चैप्टर खत्म, नहीं 20 मिनट में नहीं तो, लेकिन आधे पौने घंटे में खत्म हो जाएगा शायद, ठीक है, एकदम ज्यादा आप सब बीच बीच में तो बहुत सारा डेफिनेशन भरा हुआ है, ठीक है, बीच में तो बहुत सारा डेफिनेशन है जो फट से उड़ जाएगा एकदम। आगे लेने वाला वर्क डन, वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन, ऐसा आ गया तो क्या करोगे, वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन, देखो अगला टाइटल, वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन, वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन कैसे करेंगे सर, यहां देख बच्चे दिमाग चलाना जरा, दिमाग चलाना जरा जो बोल रहा हूं, अगर मैंने बोला है वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, We know that, क्या जानते हैं भाई, हमको पता नहीं है, ऐसी कौन सी बात है जो सर जानते हैं मुझे नहीं पता है, तो ये सब जानते हैं, सही बात है सर, V डेल्टा V का मतलब क्या होता है, डेल्टा V का मतलब है V2 माइनस V1, तो मतलब माइनस P, इसको हम बोलेंगे V2 माइनस V1, चेंज कर दो, ये बन जाएगा PV1, W का फॉर्मूला कुछ ऐसा बन गया, अगेन हम बोलेंगे फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन
हमको मिलता है पी वी इक्वल टू एन आर टी, इसी हिसाब से हमको मिल जाएगा पी वी टू इक्वल टू एन टू आर टी, इसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा पी वी वन इक्वल टू एन वन आर टी। ये सारी चीजें हम ऊपर पुटअप करेंगे, ये मेन इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन टू बिकम्स, इक्वेशन टू बिकम्स, तो सर इक्वेशन टू क्या है? इक्वेशन टू है W इक्वल टू, ध्यान देना यहां पर, माइनस पी वी टू बोला है, वी टू का मतलब माइनस एन टू आर टी ले लो, सही बात है? यस सर, प्लस कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, यहां पर क्या आएगा एन वन आर टी ले लेंगे। क्या इतना समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से आ रहा है सर। अब हम क्या करेंगे बच्चे, जरा चेक करो और मुझे बताओ क्या बनने के चांसेस हैं। तो हम बोलेंगे W इक्वल टू, फिलहाल अगर मैंने माइनस आर टी कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, माइनस आर टी कॉमन ले तो अंदर क्या बन जाएगा, अंदर बन जाएगा एन टू माइनस एन वन, विच विल बी इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? और इसी केस के अंदर फिर हम बोलेंगे, इसमें हम केस ले लेंगे, केस नंबर वन, कि अगर मैंने बोल दिया कि भाई एन टू ग्रेटर देन एन वन है, मतलब कि डेल्टा एन जो होगा मेरा या डेल्टा एन जी जो होगा वो मेरा पॉजिटिव आएगा, बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन वर्क डन किस में आएगा, वर्क डन मेरा नेगेटिव में आएगा, और ये नेगेटिव में आया मतलब वर्क इज डन, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, पीछे पढ़ाया था वही रिपीट हुआ, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। केस टू में क्या बोलेंगे, केस टू में क्या बोलेंगे, उल्टा कर दो, कि अगर हमने बोल दिया कि भाई एन वन बड़ा है एन टू से, तब हम बोलेंगे डेल्टा एन जी जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव आ जाएगा, तब जो मेरा डब्ल्यू है वो पॉजिटिव वाला फील हो जाएगा। इसका मतलब कि वर्क इज डन, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब सराउंडिंग ने काम इसके ऊपर किया है, चलेगा। और अगर मैंने केस थ्री में बोला कि मेरे जो पार्टिकल्स हैं गैस के, अगर उनका मोल सेम सेम हो गया, मतलब ऐसा हो गया कि एन वन इक्वल टू एन टू, तो हम बोलेंगे वर्क डन इक्वल टू जीरो, देयर इज नो वर्क, उस दिन कुछ काम नहीं हुआ, उस दिन फुल टाइम पास हुआ, मतलब समझ में आया? कोई दिक्कत हो रही है? यस, मुझे नहीं लगा कहीं पर कोई कंफ्यूजन होगा, बड़े आराम से, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से जा रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं सर, बड़ा एकदम आराम आराम से जा रहा है, कहीं पर ऐसा लग रहा बेहोश हो रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से आप आगे बढ़ रहे हो। अब यहां से बात होने वाली है, फेज ट्रांजिशन की बात होगी, जहां पर हम बात करेंगे कि अगर मेरा कोई भी सब्सटेंस अगर वो अपना फेज बदलता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस होता, तो क्या बोलते हैं? आने वाला है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जहां पर हम बोलेंगे कि एंथैल्पी चेंज दैट अकर्स व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को चेंज किए कॉन्स्टेंट प्रेशर के अंदर जो आपको चेंजेस दिखाई देता है सॉलिड से लिक्विड की तरफ, उसी को हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो सिंपल एकदम, फ्यूजन मतलब टूटना, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन गया, उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज आया दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ऐसा ही दूसरा देख लो, यहां पर फटाफट देख लो, वेपराइजेशन, तो बनेंगे लिक्विड से वेपर की तरफ बनने के लिए, मतलब इट इज द एंथैल्पी चेंज एंड अकंपनीज द वेपराइजेशन ऑफ वन मोल ऑफ लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, चलेगा, उसको हम बोलेंगे यहां पर वेपराइजेशन। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सॉलिड से सीधा गैस बन जाना चाहिए, तो आप बोलेंगे सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो ये सब बड़ी बेसिक बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट एंथैल्पी फॉर द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज की बात करेंगे, मतलब जैसे कि पहला हो गया आपका लिए आयोनाइजेशन, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी चेंज होगा, तो अकॉम्पनिंग विद द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ गैसियस एटम, चलेगा, वन मोल ऑफ गैसियस एटम, तब हम बोलेंगे इसको एंथैल्पी चेंज फॉर क्या बोल सकते हैं, फॉर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ गैसियस एटम, मतलब मेरे पास अगर एक मोल गैसियस एटम है उसको मैंने इतना हीट किया कि उसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब उसके लिए जो एनर्जी में चेंजेस आए स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक में जो डिफरेंसेस मिला आपको, उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। वैसे एटमाइजेशन तो एटम बनाने के लिए, मतलब कि कोई मॉलिक्यूल रहा होगा उसको हीट करो कि वह एटम बन जाए, आप बोलेंगे द डिसोसिएशन ऑफ वन मोल ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस इनटू एटम इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, चेक कर लो। नेक्स्ट क्या है सर, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होता है, वेरी सिंपल, इट इज द सम ऑफ
मतलब सोल्यूशन बनाने के लिए पहले आपको क्रिस्टल एटाइज, पहले आपको सॉल्व को तोड़ना पड़ेगा, फिर उसको हाइड्रेट करना पड़ेगा, मतलब पानी में मिलाना पड़ेगा। इन दोनों से आपको एनर्जी क्रिएट होगी जिसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। चलेगा जहां पर इसको हम फॉर्मूले में दिखा सकते हैं, डेल्टा एच सॉल्यूशन जो होगा मेरा डेल्टा एच एल प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन, इन दोनों के सम के बराबर होता है। नेक्स्ट 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 देख लो, एंथैल्पी ऑफ, यस भाई मुकेश सर ने कंफर्मेशन दे दिया है, मुकेश सर ने बोल दिया कि यस यस यस। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है 8 बजे लेक्चर के लिए आ जाना, 8 या 8:15 बजे का, मतलब 8:15 तक लास्ट क्लास में शेड्यूल करूंगा, ठीक है, शेड्यूल में कर दूंगा अभी कुछ टाइम में लेक्चर खत्म होने के बाद। एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, अब केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो आपको बस एक चीज ध्यान देना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, न्यूमेरिकल में काम आएगा, इसका कोई डेफिनेशन वेफिनेशन नहीं है, बस हाँ एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो भाई वही किसी भी केमिकल का होने के लिए जो 1 मोल ऑफ आपके पास जो जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट रहेगा उसको हम क्या करेंगे रिएक्टेंट के साथ में माइनस करते हैं एंथैल्पी को, और जो मुझे आंसर मिलता है दैट विल बी द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रहेगा। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट याद रखना, उसका आंसर देखो यहाँ पर वही चीज जो मैंने बताई आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलेगा। देखो एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट विद ईच सब्सटेंसेस इन अ डिफाइंड फिजिकल स्टेट एंड देयर अमाउंट बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द कोएफिशिएंट इन द बैलेंस्ड इक्वेशन इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब डिफरेंस बिटवीन बोला है, डिफरेंस किसके बीच में, डिफरेंस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट टू द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, सिंपल एकदम, कोई दिक्कत कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी कोई कंफ्यूजन है। नेक्स्ट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक क्या है सर, जहां पर हम बोलेंगे कि हीट क्या होगा मेरा इन्वॉल्व होने वाला है, या मैं सॉरी एंडो एक्सोथर्मिक जहां पर हीट आपका बाहर जाने वाला है, वो कब ऐसा पॉसिबल है, जब हम बोलेंगे देखो यहां पर द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द डेल्टा एच प्रोडक्ट। अगर मेरा डेल्टा एच प्रोडक्ट मेरा बड़ा हो गया डेल्टा एच रिएक्टेंट से, तो मेरा जो आंसर आएगा भाई वो कैसा होगा, मेरा पॉजिटिव आने वाला है, जिसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक है। और उल्टा कर दो दूसरी तरफ, अगर मेरा प्रोडक्ट जो है मेरा छोटा है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट आंसर ज्यादा है, तो मेरा डेल्टा एच आर जो होगा नेगेटिव आएगा, जो हमको ये बताया कि वो एक्सोथर्मिक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई आपको डेल्टा एच सॉल्व करने के लिए बोला, और आप सॉल्व करने के बाद आपको बोला कि चलो बताओ एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, तो डेल्टा एच के ऊपर चले जाना आप, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को कंपेयर करना। थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है, ये आपको सेम टू सेम पूरा मिला होगा आपको कहां पर बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। क्या बोला था मैंने, सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा 1 मोलार, प्रेशर 1 bar और टेम्परेचर 298 केल्विन, बस यही चीज यहां पर भी अप्लाई करना है। अगर कभी ऐसा हुआ, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर सब्सटेंस इज द फॉर्म इन विच द सब्सटेंस इज मोस्ट स्टेबल एट 1 bar प्रेशर, टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन इन्वॉल्व एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 मोलार एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, कोई कंफ्यूजन है, पॉलीमर के पीवाईक्यूज होंगे आज, जी हाँ जी हाँ। थर्मोकेमिकल इक्वेशन की बात करते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो हमको बताएंगे यार किसी भी इक्वेशन को जब हम उसके स्टेट के रूप में दिखाते हैं, साथ में उसका हम वैल्यू भी लिखते हैं, तो वो सारी चीजें हम क्या करते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन के अंदर कंसिडर करते हैं। जैसे कि इट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन विच एंथैल्पी चेंज, फिजिकल स्टेट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर स्पेसिफाइड। जब हम लिखते हैं इन सब चीजों को, तो हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन हमने यूज किया, केमिकल इक्वेशन बना रहे हैं, आया समझ में। नेक्स्ट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला है, तो फॉर्मेशन का मतलब ये यहां पर सिंपल सा कि सर अगेन आप बोलेंगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला हिसाब किताब चलेगा, तो आप बोलने वाले स्टैंडर्ड एंथैल्पी के लिए क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज दैट अ कंपनी इन विच द 1 मोल ऑफ प्योर कंपाउंड इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंटल, अपने एलिमेंटल फॉर्म में, अपना कोई जैसे कि हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में है, H2, मैंने N2 मिला दिया तो मुझे मिल गया अमोनिया, अमोनिया इज अ प्रॉपर प्रोडक्ट या प्रॉपर आंसर बोल सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड बोल सकते हो। तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड जो होता है अपने एलिमेंटल स्टेट से जब होता है स्टैंडर्ड स्टेट में, उस समय जो एनर्जी चेंजेस होती है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ अ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ फॉर्मेशन। चलेगा, कोई दिक्कत कोई डाउट चेक करते चलो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन वही सेम चीज, कोई कंपाउंड है उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी मतलब कि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, उसको मैं ऑक्सीडाइज कर दूंगा या फिर उसको मैं कंबशन में पार्टिसिपेट कराऊंगा। मतलब द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज अकॉम्पनिंग अ रिएक्शन इन विच 1 मोल
ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। ये सारे डेफिनेशन में से गारंटीड है, गारंटीड बोल रहा हूं मैं, एक छपेगा ही छपेगा, एक या दो छपेंगे छपेंगे, गारंटीड है, बट कौन सा छपेगा वो पता नहीं, सब पढ़ के जाओ। सर मुझे पता कैसे चलेगा मैं राइट लिख रहा हूं? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसको डेली बेसिस पे ना दो तीन बार पढ़ते रहो, क्योंकि ना क्या होगा एग्जाम में सेंटेंस ही नहीं मिलेगा, अरे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आया था कहां से शुरू करूं मैं, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी लिखा फिर कट कर दिया, फिर द एंथैल्पी चेंजेस विच अकर्स फिर कट कर दिया, नहीं समझता है। अपने को लगता है कि हाँ अंदर से मेरे को पता चल रहा है क्या लिखना है, जो स्टैंडर्ड कंपाउंड को बनाने के लिए एलिमेंटल फॉर्म में जो लोगों का चेंजेस होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी, बट लिखते समय फ्रेमिंग नहीं बैठेगी, ट्रस्ट करो आप वहां पर अटकेंगे, इसीलिए डेली बेसिस पे इस पेज को बार बार पढ़ते रहो ताकि आपको एकदम याद रहे बढ़िया से। यस, नेक्स्ट बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाला एनर्जी को ही बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं, समझ में आया? बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाला एनर्जी जो होगा ना बच्चे वो बॉन्ड एंथैल्पी माना जाता है, मतलब वो एक मूल होना चाहिए। तो बॉन्ड एंथैल्पी के लिए क्या बोलेंगे, द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड इन वन मोल गैसियस मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस गैसियस एटम इन अ रेडिकल, ठीक है चलिए, और रेडिकल इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी का अगर न्यूमेरिकल आ गया कहीं पर भी बॉन्ड के बारे में स्पेसिफाई किया है तो याद रखना रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होने वाला है। एक एक बात समझ में आई, कोई दिक्कत कोई डाउट? हेस लॉ, अरे भाई आप कोई भी रूल रेगुलेशन यूज करो, कोई भी पाथ यूज करो, लेकिन सारे पाथ को जब मैं सम करूंगा तो मुझे जो एक एक पाथ मिलता उसी के सम के बराबर होने वाला है, उसी के सम के बराबर होने वाला है। समझ में आया? समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब कि इट इज द जो ओवरऑल आपका एंथैल्पी चेंज होता है वो एक्चुअल में इंडिविजुअल वाला जो एंथैल्पी चेंज है उसी का सम होता है। यहां पर लिखा ना सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ चेंजेस दैट हैपनिंग इन इंडिविजुअल स्टेप्स, ठीक है? कोई डाउट? ये आप इस तरह से एग्जांपल्स देख सकते हो और यहां पर उसके एप्लीकेशन देख सकते हो, जो चीज हम नॉर्मल तरीके से नहीं पता लगा पाते हैं। हेस लॉ कैन हैज बीन यूजफुल टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन व्हिच देयर एंथैल्पी नॉट नोन बाय एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली में पता नहीं लगा पाता तो मैं हेस लॉ का सहारा लेता हूं, ठीक है? अब आने वाला स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस क्या होता है सर? जो खुद से हो जाए, जो खुद से होता है बच्चे उसको हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। दिमाग में सेट कर लो एकदम बढ़िया तरीके से, कोई डाउट है तो बोलो मुझे। यस, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? चेक कर बच्चे, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है सर? स्पॉन्टेनियस इज अ प्रोसेस वेयर अ नेचुरल टेंडेंसी टू अकर्स एंड डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस फॉर देयर अकरेंस। कोई सर्किट वर्किट नहीं देना है, कोई आपको बाहर से सप्लाई नहीं देना है, अपने आप से होगा, सिंपल, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। जैसे कि पानी को अगर आप क्या करेंगे बच्चे, गिराएंगे तो वो ढलान की तरफ ही गिरने वाला है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आप लोहे को गर्म करेंगे, अपने आप से ज्यादा हीट की तरफ से कम हीट की तरफ जाने लगेगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। डैनियल सेल जो आपने पढ़ा था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और इसके कुछ की पॉइंट्स है, एक ही डायरेक्शन में होता है या फिर खुद से होता है, एक्सटर्नल चीजें नहीं सब देनी पड़ती है। अकर इट्स ओन एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू अकर, प्रोसीड्स इन वन डायरेक्शन एंड कैन नॉट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन अनलेस एंड अंटिल अगेन एक्सटर्नल चीज जब तक अप्लाई नहीं करेंगे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी रैपिड स्लो और स्पॉन्टेनिटी कैन नॉट बी डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन, सीधी सी बात है। प्रोसेस कंटिन्यूसली इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, जब तक ये इक्विलिब्रियम नहीं बन जाते तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। बोलो समझ में आया? रीड करो बच्चे फटाफट, रीड करो जरा। कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी है तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी है तो बोल दो। यस, चीजें एकदम आसान लैंग्वेज में समझ में आ रही सबको बढ़िया तरीके से? चलो आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देख बच्चे यहां पर जो अगला कॉन्सेप्ट है, सबको आगे समझ में एकदम अच्छे से? अगला कॉन्सेप्ट क्या है सर? एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब क्या होता है? यस, एंट्रोपी मतलब क्या होता है जल्दी बोलो? एंट्रोपी मतलब क्या है? एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डरनेस, रेंडमनेस, फैल जाना भाई, रायता बन जाना एकदम, बोलते ना रायता बन के फैला है एकदम, नहीं मतलब कि अगर मैं बोलूं कि भाई गैसियस के अंदर रेंडमनेस ज्यादा होती तो यस ये बात सही है। सॉलिड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ आइस आर अरेंज्ड इन अ डिफाइनाइट ऑर्डर, परफेक्ट होते एकदम।
जब आइस को मिल्क किया जाता है तो थिंग्स हाईली जो क्रिस्टाइन होते हैं बच्चे, वो हाईली अरेंजमेंट जो वाटर होता है बच्चे, वो क्या होता है आपका कोलैप्स मतलब गिर जाता है, एंड द मॉलिक्यूल्स बिकम्स फ्री इन लिक्विड स्टेट, एंड ऑर्डर्ड स्टेट दस टेंड्स टू बिकम मोर डिसऑर्डर्ड। क्या ये बात समझ में आई? चेक करो जल्दी से, चेक कर बच्चे, कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी तो मुझे बता दो। वही कंफ्यूजन, एक चीज बढ़िया समझ में आ रही है, ये डायग्राम क्या एकदम आपको क्लियर है? क्या ये डायग्राम आपको क्लियर है बच्चे? जल्दी बोलो यस। ये बोल रहा है कि आइस हाईली ऑर्डर्ड स्टेट है, मैंने पानी बना दिया डिसऑर्डर्ड हो गया, गैस ले लिया भाई हाईली डिसऑर्डर्ड हो गया, तो यहां पर एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी? तो हम बोलेंगे गैस की एंट्रोपी बहुत ज्यादा होने वाली है। गैस की एंट्रोपी क्या होगी बच्चे? बहुत ज्यादा होने वाली है। क्या ये बात समझ में आ रहा है सबको? क्या ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। क्या बोल रहे भाई यहाँ पर? मेजर ऑफ रैंडमनेस बिगिनिंग, बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही। शिवम सर गिफ्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकते ना बच्चे? आप ये क्यों सोच रहे हो कि नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते, मतलब ये क्यों सोच रहे हो? यस चलेगा। नेक्स्ट व्हेन, वही चीज जो मैंने आपको बता दिया कि वाटर को आगे हम क्या करेंगे, वापस वेपराइज करेंगे और गैसियस फॉर्म में मिलेगा, और गैसियस मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा फ्रीली होते हैं, अवेलेबल होते हैं इन द स्पेस, एंड लेस डिसऑर्डर स्टेट बिकम्स हाईली डिसऑर्डर स्टेट, जैसे कि पीछे डायग्राम में दिखाया गया था। तो इसी को बोलते हैं एंट्रोपी। क्या बोलते हैं बच्चे? एंट्रोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। चलेगा। ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ, ये वापस से थ्योरी आपको स्पेसिफाई किया है कि ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस और वेपराइजेशन क्या होता है बच्चे, कि जो लिक्विड वाटर है उसका डिसऑर्डर या रैंडमनेस इंक्रीज हो जाता है, एंड डिसऑर्डर ऑफ रैंडमनेस इज मेजर्ड बाय एंट्रोपी डिवाइडेड बाय एस, ग्रेटर द डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम ग्रेटर इज द एंट्रोपी। तो सीधी सी बात है कि जितना ज्यादा वो रैंडमनेस दिखाएगा उतना ज्यादा एंट्रोपी रहेगी। अब एंट्रोपी के बेस पर ही हम पहचानते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस पैटर्न। ध्यान से सुनो यहां पर, ध्यान से सुनो बच्चे, यहां पर बोलो यस। क्या बोल रहे हैं भाई? यस चलो यहां देखो जरा। अब ये समझना है अपने को कि जो एंट्रोपी वाला पार्ट है, कहीं ना कहीं एंट्रोपी हमको हेल्प करेगा आपको चीजों को बोलते ना स्पॉन्टेनियस चीजों को समझने के लिए, कौन सी चीज स्पॉन्टेनियस है कौन सी नहीं स्पॉन्टेनियस है, वो चीजों को समझने के लिए हम किसका यूज करने वाले हैं? हम यूज करने वाले हैं एंट्रोपी का। तो आपको आगे कुछ पैटर्न्स भी मिलेंगे इस तरह से। देखो यहां पर ये तो एग्जांपल्स दिया हुआ है, एग्जांपल्स आपको पता है क्या होता है, मैं ये भी एग्जांपल्स दिया आपको किस तरह से चीजें यहां पर सेट होती है। ये बोला कि यहां पर देखो पॉजिटिव डेल्टा एस आपको मिला पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या हो रहा है सॉलिड से गैस एक्वस बन गया, तो डेल्टा एस आपका बढ़ गया मतलब पॉजिटिव आ रहा है। ये चीज आपको समझाने का ट्राई किया है, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी जो होता है देख लो जरा। तो ये बस इसका जो है ना बच्चे, आप इसका जो है ना आप सेंटेंस बना दो कि जो हीट एनर्जी है डिवाइड बाय टेम्परेचर करेंगे तो हमको चेंज इन एंट्रोपी मिलेगा, मतलब एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड टू इट इन रिवर्सिबल मैनर डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर इन अ केल्विन। सिंपल एकदम, कुछ ज्यादा टेंशन लेने का ही नहीं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये जो इसकी बात कर रहा था मैं, यहां से अब आपको गिब्स एनर्जी भी आएगा, बट गिब्स के पहले आपको समझना है कि एक्चुअल में आने वाला है एंट्रोपी के बेस पे कैसे हम पहचानते हैं स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी कैसे पहचानते हैं। तो ये बोला है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट द टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग इंक्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मुझे याद दिमाग में, मतलब जो टोटल आपका एंट्रोपी होगा वो आपका ग्रेटर देन जीरो आने वाला है, चलेगा। ये स्पॉन्टेनियस का कंडीशन है, मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये तीन कंडीशन अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। ये एग्जाम में एमसीक्यू में भी आ सकता है, न्यूमेरिकल में भी कहीं पर दिखा कि डेल्टा एस का ये करो फाइंड आउट करो, तो डेल्टा एस फाइंड आउट करने के बाद आपको कंपेयर करना होगा कि हाँ यार डेल्टा एस काउंट करने के बाद मुझे क्या समझ रहा है कि अगर वो जीरो से ज्यादा हो गया तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, जीरो से कम हो गया प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्वल जीरो हो गया प्रोसेस इज इक्विलिब्रियम। बट इस प्रोसेस के बाद गिब्स आए, उन्होंने बोला कि यार इसमें थोड़ा सा एरर भी हो सकता है, शायद ये थोड़ा बहुत उल्टा पैटर्न भी दिखा सकता है। यस, तो मैं एक काम करता हूं कि मैं जो है ना कुछ अलग पैटर्न फॉलो करता हूं, मैं अपना पैटर्न देता हूं गिब्स एनर्जी जो कि स्पॉन्टेनिटी बताएगा, और इसी वजह से बोलो कौन है भाई यहां पे टाइम पास कर रहे हैं? संस्कार फुल टाइम पास चल रहेगा भाई,
कुछ लोग ब्लॉक हो रहे हैं, अब कौन लोग हो रहे हैं अब देख लेना भाई कौन से लोग हो रहे हैं, चैट पढ़ के ब्लॉक कर रहा हूं मैं। यस, चलो, प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम कब होगा, जब वो डेल्टा एस आपका इक्वल टू जीरो, डेल्टा एस अगर आपका लेस देन जीरो हो गया तो भाई आपका बाय डिफॉल्ट नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर जीरो से बड़ा हो गया तब हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस दिखा रहा है। क्लियर है यहां तक? यस, कोई कंफ्यूजन? ये बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, मतलब अपने आप में तो बहुत ज्यादा इजी है। गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी क्या बोल रहा है, गिब्स एनर्जी क्या बोल रहा है, तो जी जो होता है बच्चे एच माइनस टी एस होता है, ये गिब्स का फॉर्मूला है जो अपने दिमाग में एकदम सेट करके चलो, और चेंज इन गिब्स एनर्जी इसी के बेस पे मेरा बन जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी एस। ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चे आपके लिए, चेंज इन गिब्स एनर्जी माना जाएगा। चेंज इन गिब्स एनर्जी रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा एस की बात करेंगे, देख लो यहां पर तो आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए कि अगर कोई भी बंदा स्पॉन्टेनियस तभी माना जाएगा जब डेल्टा एस क्या होगा मेरा जीरो से ज्यादा होगा, और डेल्टा एच इज एंथैल्पी चेंज है जो आपको मिलता है, और इसीलिए हमारा एक इक्वेशन बन जाता है कि डेल्टा एच सराउंडिंग का जो होगा माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, ये वाला पैटर्न जो है कहीं ना कहीं आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। याद करो आपने किया था पीछे डेल्टा एच इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, याद आया, ये वही वाला पार्ट है बट सराउंडिंग के लिए हम माइनस यूज करते हैं। सराउंडिंग के लिए बच्चे हमको याद रख लेना आज के बाद से, सराउंडिंग के लिए ना एंट्रोपी में हम माइनस यूज करेंगे, किसके लिए, डेल्टा एस के लिए, इसीलिए यहां पे डेल्टा एच अपॉन टी आ गया है माइनस में। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब हम इसी पैटर्न को सबको क्या करेंगे बच्चे यहां पर बढ़िया से यूज करेंगे, और हम यहां पर देखो आपको आंसर देंगे कि जो डेल्टा एस होता है ध्यान दो यहां पर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिस्टम ओनली एंड रीअरेंजिंग डेल्टा, जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा ठीक है, और एंड में हमको आंसर इस तरह से मिल जाता है कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। चलेगा, चेक कर बच्चे फटाफट, आपको इसका डेरिवेशन दिखाना नहीं है, टेंशन मत लो, डेरिवेशन दिखाना नहीं है, हालांकि डिटेल लेक्चर में मैंने इसका डेरिवेशन करवा के दिया है ठीक है, बट आपको बता दो कि उसका डेरिवेशन को सॉल्व नहीं करते हैं। यस, कोई दिक्कत तो आप यहां पर सीधा सीधा क्या बोलेंगे, जरा देखो यहां पर पीछे क्या दिया था फॉर्मूले में, डेल्टा एस इक्वल टू, देखो डेल्टा एस इक्वल टू पीछे क्या दिया था, उसके पीछे क्या दिया था, इसके पीछे देखो डेल्टा जहां से दिया है कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी इक्वल टू, देखो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आपको डेल्टा जी का आंसर है, और यहीं पर आपका डेल्टा एच अगर हटा देंगे तो आपका मिल जाएगा माइनस माइनस टी डेल्टा एस बन जाएगा ठीक है, सिंपल एकदम। यस 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 यस, चलेगा, कोई दिक्कत, कोई डाउट? मैं फिर से बता रहा हूं कि यहां पे मैथमेटिकली आपको सॉल्व करके दिखाना नहीं है, आपको लग रहा है कि सॉल्व करना है आप मतलब जूम करके इसमें रेगुलर लेक्चर में भी देख सकते हो, चाहे वो आरंभ हो चाहे वो टॉपर अपना जो रेगुलर जो लेक्चर हुआ, ऐसे नहीं कि सर आरंभ वाले, आप आरंभ में भी देख सकते हैं, जो टॉपर वाले बच्चे हैं जाके देख सकते हैं कैसे कराया गया है, करवाना है तो करवा देता हूं, बोलो चैट में लिखो फटाफट करवा देता हूं अभी, कहां से बना है ये। यस, कल लास्ट चैप्टर होगा भाई पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, करवा दिया जाए। ओके चलो, चल देख बच्चे यहां पे विघ्नेश तुम्हारे लिए करवा देता हूं भाई, टेंशन मत लो एकदम। ये कहां से आया, ये ड्रेटलिना समझता नहीं है एक्चुअली, ये ड्रेटलिना नहीं समझेगा, बट इसका यूज भी नहीं है फिलहाल उसके हिसाब से मैं बता रहा था। चलो यहां देखो जरा, आपको पहले ये समझना है कि डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम के लिए क्या होता है, पहले वो समझना पड़ेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे एक चीज पता है कि डेल्टा एस जो होता है टोटल के फॉर्म में अगर मैं बोलूं तो वो मुझे होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर, और हमको एक इक्वेशन दिया हुआ था पीछे अगर आपको याद होगा तो, कि डेल्टा जी इक्वल टू टी डेल्टा एस, याद आया, ये आपको दिया गया है, ये दोनों इक्वेशन समझो आपको पता है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको समझना है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है सर,
कि जो डेल्टा एस होता है सिस्टम के लिए उसमें आंसर आता है पॉजिटिव, किसका, डेल्टा एच का, और जब हम लेते हैं डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए तब उसमें आंसर आता है नेगेटिव, किसका, डेल्टा एच का। कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी? अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास डेल्टा एस सराउंडिंग है तब आंसर क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे माइनस, इस तरह से बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन है, चेक कर बच्चे। और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, बोलो क्या बन जाएगा, बोल बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, टी इंटू डेल्टा एस इक्वल टू माइनस डेल्टा एच, कुछ इस तरह से बन जाएगा। चेक करो जरा, क्या एक नया इक्वेशन मिला कि नहीं मिला, बोलो क्या एक नया इक्वेशन मिला कि नहीं मिला, जल्दी बोलो बच्चे। कोई डाउट है किसी को भी कहीं पर भी? ये जो सराउंडिंग का वैल्यू मिला है ना, अगर मैं इसको सराउंडिंग में प्रॉपर पुट भी कर देता हूं, कहां पे, यहां पर पुट करता हूं, चलो ये वाले इक्वेशन को थोड़ा सा मैं होल्ड पे डालता हूं क्योंकि आगे हम करने वाले हैं। तो सोचो अगर मैंने यहां पर डाल दिया तो क्या ये ऐसा हो सकता है क्या? देखो जरा ये वाला इक्वेशन देखना बच्चे, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, मैं इक्वेशन वन की बात कर रहा हूं, इक्वेशन वन बिकम्स, क्या ये ऐसा हो सकता है, डेल्टा एस टोटल, दिमाग चलाना, इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम वैसे का वैसे ही माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। ये कितने लोग को समझ में आया? फिर से देख बच्चे, ये हमारा टोटल एंट्रोपी होता है, यस सर, ये हमारा गिब्स एनर्जी है, यस सर, ये गिब्स एनर्जी से हमारे रेफरेंस के लिए। अब डेल्टा सिस्टम जब होगा, डेल्टा एस सिस्टम के लिए पॉजिटिव, सराउंडिंग के लिए नेगेटिव, हम लेते हैं कि भाई सराउंडिंग के लिए, तो माइनस डेल्टा एच अपॉन टी आएगा सराउंडिंग के लिए। इक्वेशन वन क्या हो जाएगा, बोलो, सराउंडिंग की जगह पे डालेंगे तो सिस्टम वैसे का वैसे ही माइनस डेल्टा एच अपॉन टी आ गया। क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं? यस सर, इसको अपॉन वन ले लिया तो क्या बन जाएगा, बोलो, ये बन जाएगा टी इंटू डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, ये भी बन गया डेल्टा एस। अब बोलो क्या होगा, अब इसका इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर पहले मैंने इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब मैं इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कैसे करेंगे सर, देखो यहां पर ध्यान दे बच्चे, तो ये बन जाएगा टी डेल्टा एस इक्वल टू, बोलो टी डेल्टा एस इक्वल टू, बोलो बच्चे, टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच, लेकिन एक सिस्टम एक सराउंडिंग, ये टोटल वाला है राइट, और ये कौन सा है, ये सिस्टम वाला है। चेक करो पहले, कुछ कुछ फील आएगा आपको, जाना नहीं, थोड़ा थोड़ा फील आएगा आपको, लगेगा सर कुछ कुछ तो जाना जाना पहचाना पहचाना लग रहा है, जल्दी बोलो बच्चे, याद आया कुछ थोड़ा बहुत? अब लास्ट स्टेप चल रहा है जिससे आपका आंसर एकदम नजदीक पहुंच जाएंगे आप, डेल्टा टी एस इक्वल टू, सबको समझ में आया यहां तक? अब हम बोलेंगे कि यार एक काम करो, इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाइड बाय वन कर दो, मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन कर दो, माइनस वन करते ही ये बन जाएगा माइनस टी डेल्टा एस, और ये बन जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस। कुछ फील आ रहा है? नहीं सर, कुछ फील नहीं आ रहा है, यहां पर फील आएगा तुमको अभी। देखो इक्वेशन नंबर टू देखो जरा, एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा जी, ओ माई गॉड, मतलब ये इक्वेशन थ्री जो है, अब मैं बोलू फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री मुझे क्या मिलेगा, देखो ये वाला पार्ट पूरा इक्वल हो रहा है इस वाले पार्ट के, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मतलब कि डेल्टा जी जो है माइनस डेल्टा टी एस के बराबर है, वही तुम्हारे बुक में डायरेक्ट दे दिया है और तुम पूरी तरह से बेहोश होने लगते हो, बोलो समझ में आया, ये देखो डायरेक्ट दिया बुक में, ये देखो डायरेक्ट दे दिया है, मजा आया क्या, मजा आया क्या? मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा अपने दिमाग में, यस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चे, मयूर तुम्हारे लिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सब छोड़ दो, डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग होता है सर, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस होता है, ये दो इक्वेशन हमारे पास है। सिस्टम के लिए डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होता है, सराउंडिंग के लिए डेल्टा एच हमेशा माइनस होता है, तो सिस्टम के लिए हमारा डेल्टा एच माइनस होगा, इसलिए माइनस डेल्टा एच अपॉन टी आ गया। पीछे फॉर्मूला था, देखो ये पीछे वाले फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं, तो यहां पर लिखा भी है, टेंशन मत लेना। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर वन में, जैसे मैंने इक्वेशन वन में डाला तो डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम देखो प्लस डेल्टा एस राउंडिंग पे क्या आएगा, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इस तरह से आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इस तरह से आ गया, तो वाइट वाला इक्वेशन मिल गया,
माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, माइनस वन ये प्लस आ गया, तो डेल्टा एच पहले आ जाएगा माइनस आ गया, ये राइट हैंड साइड टू और थ्री का कॉमन है, इसलिए आपको मिल जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा टी एस, मतलब माइनस टी डेल्टा एस। मजा आया, एकदम क्लियर हो गया विघ्नेश, मजा आ गया। चलो ये इतना सॉल्व करना नहीं है क्योंकि आपको ये सब एग्जाम में से एग्जैक्टली यही नहीं बनने वाला है कि ये सॉल्व करो, लेकिन हाँ इसके ऊपर डेल्टा जी डेल्टा एस का रिलेशन है तो आपको ये दो मार्क यहाँ तक दिखा देना है। आपको आपको लग रहा है कि सर ये ऐसे सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, आपकी मर्जी सॉल्व करेंगे और अच्छा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि सॉल्व करने से सिस्टमेटिक चीजें हो जाएंगी। अब इस केस में आपको क्या दिखाई दिया जरा बोलो, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस, एस में माइनस लगा हुआ है, मतलब अगर हम बोलेंगे एस जीरो से बड़ा है तो उसी सेम टाइम पे जी जीरो से छोटा रहेगा, क्यों? क्योंकि दोनों में प्लस माइनस का डिफरेंस है, दिखाई दे रहा है? तो पूरा अपोजिट गेम चलने वाला है और इसी अपोजिट गेम को हमको यहां पे समझना है कि डेल्टा एस अगर जीरो से बड़ा है तो डेल्टा जी जीरो से छोटा होगा और हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा एस अगर जीरो से छोटा है तो ये भाई साहब जीरो से बड़ा हो जाएंगे और ये नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाएगा, और अगर ये इक्वल हो गया तो हम बोलेंगे कि भाई हमारा प्रोसेस जो है इक्विलिब्रियम में पहुंच गया है। क्या ये बात समझ में आ गई? मजा आया एकदम जबरदस्त तरीके वाला, मतलब कोई दिक्कत नहीं है सर। अब तो स्पॉन्टेनिटी एंड डेल्टा एच और डेल्टा एस बोल सकते हो, देख लो यहां पर वही सेम चीज, ये हमने पीछे कराया था अभी भी जो मैंने प्रूफ किया था, प्रूफ नहीं मतलब जो पीछे दिया था पहले से, उसमें अगर मैं टी को मॉडिफाई करूंगा तो कैसे मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफिकेशन कैसे होता है सर? तो हम बोलते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, मुझे इसको यहां भेज दो। आप बोलेंगे सर टी डेल्टा एस इक्वल टू, ये इस तरह से आ जाएगा, ये यहां चला जाएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये माइनस ये यहां चला गया तो माइनस डेल्टा जी बन जाएगा, कोई दिक्कत? अब बोलेंगे कि अगर ये मेरा इक्वेशन कहां पे हो रहा है बच्चे, इक्विलिब्रियम में हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम केस में क्या होता है बोलो, ये जीरो बन जाएगा, तो डेल्टा जी इक्वल टू जीरो फॉर इक्विलिब्रियम, ये ध्यान देना जरा, बराबर ना? पीछे भी किया था हमने इक्विलिब्रियम में, तो बोलो हमको आंसर क्या मिल गया, हमको आंसर सर ये मिल गया। अब इस केस में टी क्या होगा चेक कर बच्चे, चेक कर, मजा आया क्या इसको देख के? मजा आया कैसे बन रहा है, एकदम आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? नेक्स्ट गिब्स फंक्शन एंड इसका इक्वेशन आपको याद करना डायरेक्टली कि गिब्स का एक एनर्जी चेंज का एक केमिकल इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन में कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, जहां पर एल एन क्यू मेरा जो होता है एक तरह से इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वाला कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, इसको क्वेश्चन बोलते हैं, लेकिन आपको वैसा ही दिखेगा। ये देखो यहाँ पर इक्वेशन देख लो, ए और बी को मिलाया तो सी डी बनेगा। अब इसका डेल्टा जी क्या होगा, तो आप बोलेंगे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू क्या होता है सर, क्यू होता है सी का पावर सी, डी का पावर डी, ए का पावर ए, बी का पावर, मतलब केसी जैसा ही होता है। इक्विलिब्रियम में आपने केसी पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही होता है। अब ये यहाँ पर पुटअप कर दो, पुटअप कर दिया तो मुझे ये मिल जाएगा, देखो जब मैं पुटअप करूंगा तो मुझे मिल जाएगा देखो इस तरह से डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, क्यू ले लिया, क्यू सी की जगह ये ले लिया, देखो दिख रहे हैं क्यू सी की जगह पे मैंने ये ले लिया, क्योंकि ये क्यू सी का ये वैल्यू है, समझ लो क्यू सी का ये वैल्यू है भाई, सी का पावर सी फिर डी का पावर डी, ठीक है, फिर सॉरी फिर ए का पावर ए, बी का पावर बी, ये इसका वैल्यू है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि सर अगर मैंने क्यू पी ले लिया तो सेम जहां पे सी है वहां पे सी का प्रेशर ले लो, काम खत्म, सेम आंसर रिपीट एकदम वापस से। दिस इज द एंड ऑफ आई थिंक यस। अच्छा यहां पे कंडीशन लिया है, सिर्फ कंडीशन ओरिएंटेड है, मतलब आप बोल रहे हो कि सर डेल्टा जी इक्वल, देखो इस तरह से कर दो, कंडीशन लिया है कि भाई डेल्टा जी इक्वल टू, हम बोलते हैं डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इक्विलिब्रियम में तो ये जीरो हो जाता है, फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चे ये जीरो, तो आप बोलेंगे ये डेल्टा जी है इक्विलिब्रियम वाले केस में, डेल्टा जी बिकम्स जीरो। अच्छा अगर ये बंदा जीरो बन गया तो हमारे पास आंसर मिल गया जीरो इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, चाहे वो क्यूसी हो चाहे वो कुछ भी हो, तो क्यूसी की जगह पे केपी भी ले सकते हैं। अच्छा ये क्यूसी और केपी से क्या फर्क आ गया यहां पर, सर आप क्यूसी लिख रहे हो बुक में केपी दिया है, केपी लिखना है, मैं आपको बता रहा हूं रीजन, आपने ये पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा बहुत अगर आपको याद होगा तो केसी जो होता है ना केसी वो इक्विलिब्रियम के लिए एप्लीकेबल है, और क्यूसी जो होता है ना बच्चे इक्विलिब्रियम में डिपेंड नहीं करता है, तो जो पीछे का इक्वेशन था उसमें हम इसकी जगह पे जीरो ले ही नहीं सकते क्योंकि ये क्यूसी के टर्म में दिया हुआ है, लेकिन यहां पर हम जीरो फ्रीक्वेंटली लेंगे क्योंकि अब हमको ये क्यूसी नहीं करना है, हमको यहां पर क्या करना है केसी करना है,
तो यहां पर हम क्या करेंगे के सी ले लेंगे, आया समझ में, इसीलिए यहां पर के सी अप्लीकेबल है और ये डेल्टा जी जीरो बन जाएगा। तो बोला आंसर क्या बनेगा फिर हमको एंड में, तो हम बोलेंगे डेल्टा जी इक्वल टू, यहां भेजो तो माइनस आर टी एल एन के सी ऐसा बन सकता है। अब इसको हमने क्या किया, सिंस एल एन इक्वल टू वही सेम चीज 2.3 लॉग टू द बेस 10, तो हमारा एंड में आंसर आ सकता है डेल्टा जीरो नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 के सी, ऐसा फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, क्या ये केपी के लिए भी हो सकता है ऐसा ही? बिल्कुल, तो केपी के लिए भी यही चीज रिपीट हो जाएगी, माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 केपी, ये सेम चीज केपी के लिए भी वैलिड हो जाएगी। कोई दिक्कत, दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर, दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर, दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर। भाई क्या बात है सर, मतलब परफेक्ट 2 घंटे का चैप्टर था, 3:30 बजे मैंने चालू किया था, 5:30 बजे खत्म हो रहा है, परफेक्ट 2 घंटे का चैप्टर था, मतलब इतना बड़ा नहीं था। यस चंद्रकांत, वेब वर्जन में जाने के लिए बच्चे आपको यह करना है, देखो वेब डॉट क्लास प्लस एप डॉट कॉम, ये वेबसाइट पे डालने का, मतलब ऊपर यूआरएल जो होता है, और एक ओआरजी कोड यूज करने का केमिस्ट्री के लिए EFPNI, आपको चीजें सेट होके मिल जाएंगी, ठीक है? ये है, चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मात्र एक चैप्टर दूर है हम पोर्शन दोबारा पढ़ाने से, दोबारा पढ़ाने से, लोग एक बार पढ़ाने से कतराते हैं। यहां पर आपको इस ऐप के अंदर, इस बैच के अंदर आपको एक ही कंसेप्ट को हम दो बार पढ़ा चुके हैं उतने ही फीस में, सही बात है? यस और नो, यस और नो, बिल्कुल सर, यस रेडी। तो चलो भाई यहां पे मैं लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूं, मिलते हैं कल के सेशन में, कल का सेशन लास्ट होने वाला है, पी ब्लॉक जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 16, 17, 18 जिसका नाम है, पूरा थियरी है, बहुत ज्यादा थियरी होने वाला है, मतलब हाइट ऑफ थियरी बोल सकते हो, सर थियरी की एक हाइट होती है लेकिन तो हाइट के भी ऊपर चला जाएगा एक दिन में अगर आप, ठीक है? कल थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे, कल देखो शायद 3:30 बजे भी स्टार्ट करूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है, उसका रीजन है कल यार लाइसेंस लाने जाना है मुझे, ठीक है? तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अरे बच्चे कोई ग्रुप नहीं है, बच्चे कोई ग्रुप नहीं है।